नमस्कार। कल्चर मैटर्स विद कैलाश मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारे साथ एक आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है मीनाक्षी झा बनर्जी। मीनाक्षी झा बनर्जी विगत 20 वर्षों से ये कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, और जो कला है इनके मन में, वह कला का जो उत्स है इनकी मातृभूमि मिथिला से इनको मिलती है। और उस कला में एक प्रयोग है, सी हैज बीन सर्चिंग द विमेन, द 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन हर आर्ट। सी हैज बीन सर्चिंग, सी हैज बीन ट्राइंग टू गेट द आइडेंटिटी ऑफ अ विमेन, बट सी डजंट हैव आइडेंटिटी क्राइसिस। सी सर्च द मीनिंगफुल आइडेंटिटी, रोल प्ले, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड द कंटिन्यूटी ऑफ वुमेन इन द ह्यूमन सिविलाइजेशन थ्रू हर आर्ट वर्क। दैट इज द पावर ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ आर्ट इन द आर्ट वर्क ऑफ मीनाक्षी झा बनर्जी। मीनाक्षी झा बनर्जी जो है, वह कला को उस रूप में देखती है, और इस तरह से ये इनका सिग्नेचर स्टाइल बनता है। जब ये अग्नि कहती है तो उनकी जो पत्नी है स्वाहा, वह आती है और स्वाहा के रोल प्ले को आइडेंटिफाई करती है। मीनाक्षी झा बनर्जी दो कदम आगे जाती है, अपने कला में समाज के उन अंडर प्रिविलेज लोगों को, वंचितों को, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा अपना भाव नहीं दिखाते, तो वैसे लोगों को मीनाक्षी झा बनर्जी अपने साथ लाने का प्रयास करती है, और बहुत अच्छी तरह से उनको लाती है। जो बच्चे हैं, किसी कारण वह स्पेशल चाइल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, उनको वो एबल बनाती है इन द क्रिएटिव आर्ट ऑफ हर पेंटिंग। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ हर आर्ट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ हर माइंड, दैट इज द ब्यूटी ऑफ हर कॉग्निटिव थिंकिंग। ये मीनाक्षी झा बनर्जी है। इनके बारे में बहुत बात हम करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं मीनाक्षी झा बनर्जी के मुंह से सुने कि वो जो 20-22 साल से इस कला क्षेत्र में है, अपने एक सिग्नेचर स्टाइल में है, उन्होंने अपना एक स्थान प्राप्त किया है, तो उसके बारे में, अपनी यात्रा के बारे में थोड़ी सी बात करें, और फिर हम जो बतकही है हमारे स्टाइल, उनकी जीवनी को, उनकी कला को, कला में उनके प्रयोग को, कहाँ से उनको मिला, उनके बैकग्राउंड को, उनके जीवन साथी को, उनके बच्चे को, उनकी सारी चीजों को हम लोग के बारे में हम बात करेंगे और उनको समग्रता से समझेंगे। तो आपका फोक ब्रेन में बहुत बहुत स्वागत। पहले भी हमने आपको बुलाने का कोशिश किया था, आप आना भी चाह रही थी, आपकी बच्ची बीमार थी, आप खुद भी बीमार थे, फिर भी रेणु के प्रोग्राम में आपने मुझे वचन दिया था कि आप आएंगी, और कलकत्ता से यू केप्ट ऑन ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग, लेकिन कभी कभी हम लोग टेक्नोलॉजी से पिछड़ जाते हैं, तो उसमें आप आ नहीं पाई। तो आज जो है आपके साथ बात कही करने में हमें बहुत आनंद आएगा। आपका इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी, आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार। नमस्कार जी। आप आमंत्रित किया और इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया, क्योंकि हम लोग सब लोग एक क्षेत्र के हैं, और मिथिला के क्षेत्र के लोगों को कहा जाता है कि बहुत बातूनी होते हैं, तो हम लोग बहुत बातूनी हैं और आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं। कैलाश जी, आपका आपके इस प्रयास को मुझे लगता है कि बहुत साधुवाद, क्योंकि कोक ब्रेन जो आपने नाम रखा है वही बहुत कमाल का है। तो और इस प्लेटफॉर्म पे हम जैसे लोगों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग भी बिल्कुल अभी भी लोक और लोक क्षेत्र और लोक की ही बात करते हैं। मेरे कला में भी लोक रचा बसा है, मुझे लगता है कि ये बहुत सही जगह पे मैं आज आई हूँ। और क्षमा कि मैं उस दिन रेणु, चूंकि वो इतने अच्छे प्रोग्राम में मुझे आने का मौका मिला था, लेकिन आपने बता ही दिया कि क्या कारण था, तो उसी कारण से मैं जोड़ नहीं पाई थी। तो बहुत अच्छा, बताइए आप कैसे शुरू करें और क्या क्या। मैं आपको बताता चलूं कि पद्मश्री उषा किरण खान आ गई है, रविंद्र दास जी आ गए हैं, ये सब लोग आ गए हैं आपको देखने के लिए, मनीषा जी वगैरह आ गई है, और हम थोड़े देर में रविंद्र दास जी को हम स्ट्रीम पर भी लेंगे। तो आप पहले अपने बारे में बताइए।
कहाँ से करें? जी कहाँ से शुरू करें बताएं, मतलब मैं अपने अपने अपनी यात्रा की बात करूं। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कैलाश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपने से शुरू कीजिए, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कैसे आप इस क्षेत्र में आई, कहां आपका जन्म हुआ और आप कैसे की। लेट द पीपल नो, दोज हु नो गुड, दोज हु डोंट नो अबाउट यू शुड नो अबाउट यू। तो आप यू स्टार्ट से। बिल्कुल। तो शुरुआती ये बात है कि पटना जनस्थान है और जो क्षेत्र है हमारा, चूंकि अभी भी गांव है और गांव से बहुत मतलब जुड़ाव है हमारा, तो पापा यही पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, यही उनकी पढ़ाई हुई और यहीं पे मेरा जन्म हुआ। लेकिन गांव से ताल्लुकात रहा है, अभी भी है, अभी भी हम लोग साल में एक आध बार तो चले जाते हैं, मतलब बेटियां भी वहां जाती ही हैं, बेटे तो जाते ही हैं। तो हमारा लगाव इस तरीके से गांव या उस क्षेत्र से बहुत ज्यादा रहा है। और आप जानते हैं, मतलब सभी लोग जानते हैं जो मिथिला क्षेत्र से हैं, जानते ही हैं कि रविंद्रनाथ जी भैया नमस्ते तो सभी जानते ही हैं कि मिथिला इतना मतलब रिच है कल्चरली, कल्चरली इतना रिच है कि आप अगर मतलब वहां के बच्चे हैं तो आपके क्या कहते हैं खून में वो बात आती है, आपके मन मस्तिष्क में वहां का जो रिचुअल है, वहां की जो परंपरा है, संस्कृति है, वो बस जाती है। तो सारे लोग जानते होंगे जो मिथिला क्षेत्र को जानते हैं, वो जानते होंगे कि ये बहुत स्वाभाविक रूप से आ जाता है अंदर। तो वही चीज है, हमारे खून में भी था ही। और मेरे घर में जिस तरीके से दादी या माँ को देखा, जिस तरीके से मतलब हर एक पावन में, मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि जो अरिपन का जो यूज है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। और दीवार जो भित्ति चित्र है वो भी रहा है हमेशा, हर बार हम लोग गांव जाते थे और देखते थे कि दीवार उठ गया और फिर उस पर एक नई पेंटिंग बनी है। तो ये मन को मतलब हमेशा उसके लिए कहते हैं ना कि मतलब आप ज्यादा जिज्ञासा बढ़ती जाती है कि क्या बना है, किस लिए बना है, इसको क्यों सजाए हैं, इसके अंदर क्या है, क्या क्या चीज प्रयोग हुआ है। तो ये अंदर से मतलब जो वो रहती है, उत्कंठा रहती है, वो थी। तो यही सारी बातें हैं कि जहां से कि आपको शुरुआत मिलता है। और अगर आप शहरी वातावरण की बात करें, तो जब मैं जब स्कूल जाती थी, बेबीलाल नाम का स्कूल हुआ करता था यही पटना, जो पुराना पटना है उसी में, और जब स्कूल जाते थे तो उस वक्त हम लोग के समय में कहा था कि ड्राइंग बहुत प्रायोरिटी में नहीं था। तो हम लोग एक कॉपी आती थी उस वक्त, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसके पीछे कई सारी लाइंस बनी होती थी, बड़े लाइन से लेके छोटे लाइन तक। तो मुझे याद है मेरी पहला मेरे मतलब क्या कहते हैं उसका जो पहला जो प्रारूप दिखा कि हाँ मैं कुछ बना सकती हूँ, तो उसको मैंने ऐसे करके यूं जोड़ा और वो मुझे एक चिड़िया के पेट के रूप में नजर आया। तो वो पहली ड्राइंग कह सकते हैं कि जो मुझे लगा कि हाँ मुझसे कुछ बन सकता है। और उसके बाद हमारे टीचर होती थी शिक्षिका, जो कहती थी कि डॉल बनाइए आप, एक गुड़िया बनाइए। तो एक चूड़ी लेके मैं जाया करती थी स्कूल, चूड़ी से फेस बनाया और फिर स्केल से पूरा वो गर्दन और बॉडी। और उस वक्त कई सारे जो फ्रेंड होते थे वो बच्चे कॉपी लगा देते थे कि मेरी भी चित्र तुम ही बनाओगी। और बाद में जब वो मिलते हैं तो उन्होंने कहा कि गुड़िया बनाते बनाते तुम कहाँ पहुंच गई। तो उन्हें लगता है कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ इस क्षेत्र में। तो ये शुरुआत रही विधिवत पढ़ाई यहाँ पे मेरी। मैंने ग्रेजुएशन किया संस्कृत में, फिर चूंकि कला में रहा था तो पिताजी को तो कहा ही था कि बोर्ड के बाद मेरी पढ़ाई हो कला जो क्षेत्र महाविद्यालय है उसमें, क्योंकि पटना आर्ट कॉलेज को सभी जानते हैं और उस वक्त भी बहुत लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे थे उसमें। वहां से कई सारे ऐसे दिग्गज निकले हैं जो आज भारत का मतलब इंटरनेशनली दे आर नोन। तो बहुत अच्छी मेरी बहुत लालसा थी। संभव मेरे नहीं एडमिशन हुआ, फादर ने कहा कि वो चूंकि उस वक्त ना बहुत ज्यादा कला को लेकर बहुत जागृत नहीं थे लोग, मतलब उसको लेकर करियर बनाना और
उस क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये थोड़ा विजन थोड़ा कम था तो एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको मतलब अंदर से बता सकती हूँ कि ये तय था मेरे दिमाग में कि इसी क्षेत्र में मुझे रहना है, क्योंकि मुझे जैसा मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि आर्ट इज अ मतलब कहते हैं ना वे ऑफ लाइफ, अगर आप कला को समझते हैं जो भी, तो कला हमारे लिए सचमुच जीवन जीने का एक रास्ता है। हम लोग जो भी कलाकार हैं वो शायद मुझे लगता है कि इसे वाकिफ करते होंगे कि कला ये नहीं है कि आपने ड्राइंग किया या आपने कैनवस पे पेंटिंग की, वो नहीं है, वो अभिव्यक्ति है जो कि एक फाइनल रूप में लोगों के सामने आती है। लेकिन ये एक जीवन जीने की आपके देखने की आपकी दृष्टि वैसी हो जाती है कि आपको सब चीज में आर्ट दिखता है। तो ये है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फोर्स था मेरे अंदर कि मुझे लगता था कि चलो ठीक है पढ़ाई नहीं भी की तो लेकिन मुझे रहना है इसी क्षेत्र में। तो संस्कृत से ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने एक साल फैशन डिजाइनिंग किया पटना वुमेन्स कॉलेज से, लेकिन लगातार काम करती। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो पहला प्रोफेशनल मैंने काम किया जो मुझे लगा कि ये काम बिल्कुल दिखाने लायक बने, तो सीता देवी की एक पेंटिंग थी, मैंने मतलब लाइफ में एकमात्र पेंटिंग है जिसका नकल किया, जिसको कॉपी किया, और उस कॉपी करने के बाद मुझे उस इमीडिएट उस मौके पे लगा कि कलाकार अपनी आत्मा को डालता है चित्रों में, जो कलाकार होता है। तो वो चीज जो उन्होंने बनाई थी, पद्मश्री सीता देवी ने जो काम किया था, राम विवाह था उस सब्जेक्ट पे, तो वो चीज अगर मैं नकल भी कर लूं तो कभी भी जीवन में वो नहीं बन सकता जो कलाकार बनाता है। तो वो तो अपनी आत्मा डालता है, उसके अंदर अपनी सारी भावनाओं को डालता है। तो मैंने नकल जरूर किया, लेकिन नकल करते करते मुझे एहसास हुआ कि कुछ भी वैसा नहीं बन सकता है, अगर आप किसी की भी नकल करते हैं तो आप आत्मा नहीं डाल सकते कलाकार की। तो वो एक दिन है जब मुझे एहसास हुआ कि पेंटिंग शायद वैसा मोर और लेस देखने में लग रहा था, लेकिन वो कहाँ से होगा जो पद्मश्री सीता देवी ने काम किया उसमें, उनकी तो आत्मा बच रही थी उसमें। तो मुझे लगा उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे जो भी करना है, क्योंकि शुरुआती दौर में मैंने मधुबनी पेंटिंग ही किया था, तो मुझे जो करना है वो मुझे वही करना है जो मुझे भाता है, मुझे अच्छा लगता है, या जिस चीजों से मैं सरोकार रखती। तो आपको बताऊं कि जो आज का टॉपिक है हमारा आर्ट एंड इनोवेशन, तो उसी समय से मुझे एहसास हुआ कि किसी भी कलाकार के जो विद्यार्थी है वो भी, या कला में जो आगे बढ़ रहे हैं वो भी, उनको वही करना है जो उन्हें दिखता है। तो मेरा जो मतलब छोटी उम्र में जो भी दिमाग में जो काम करता था, मुझे लगा कि ये एहसास हुआ कि जो चित्र जो भी बनता है, जब भी कभी आप फोक आर्ट की बात करते हैं, खासकर फोक आर्ट की बात करते हैं, फोक आर्ट के बैकग्राउंड, उनके रंग, उनके विषय, यही एक मूल तथ्य है जिसपे कि हम कोई भी आकर्षित होते हैं। तो फिर मुझे उसी वक्त दिमाग में ये आने लगा कि क्या कारण है कि मतलब उसके रंग जो है इतने चटक हैं, या उसके बैकग्राउंड में इतने सारे पेड़ पौधे हैं, या वही सारी चीजें हैं जो शादी की बातें हैं, या राम विवाह है, या महाभारत है, या उपनयन है। तो उस वक्त मुझे लगने लगा कि आप जो भी देखते हैं, जो भी आपके सराउंडिंग्स में है, आप वही बनाते हैं, और वही उसी चीज को बनाने में आप काबिल हैं, और आप वो बिल्कुल आप उसमें अपनी कहते हैं ना भावनाएं डाल सकते हैं। तो उसके बाद से जो जब मुझसे निकलने लगा, जब मैं मतलब इंडिविजुअल रूप से मैं बनाने लगी, तो मेरे से निकलने लगा कि मैंने बनाया कि कॉलेज लाइफ में बच्चे जा रहे हैं, तो उसके बाद उनके ड्रेसेस जो है मैं नहीं बना पा रही थी, घाघरा चोली या साड़ी नहीं बना पा रही थी, मैंने देखा जीन्स, मैंने देखा बाकी नए कपड़े, तो मैं वो बनाने लगी, उनके हेयर स्टाइल्स अलग देखे तो मैं वो बनाने लगी। तो मुझे उस वक्त से लगने लगा कि यही असलियत है, मतलब ऐसा ही आपको करना चाहिए, जो भी कलाकार काम करते हैं वो बिल्कुल वही बनाए जो वो देखते हैं, जो वो सोचते हैं, या जिसकी वो कल्पना करते हैं। तो मेरी कल्पना में कहीं भी वो नहीं आ पा रहा था कि मैं
उन सारी चीजों को बनाओ जिसमें मैं बहुत ज्यादा संलग्न नहीं हो पाती हूँ, उपनयन के संस्कार कह लें, आप शादी कह पढ़ा हुआ और वो देखा हुआ नहीं था, तो मुझसे वही बनने लगा जो मैं देख रही थी। तो उस There was उनके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तब तक वो आ जाएंगे। इस बीच में हम आपसे निवेदन करेंगे। हाँ 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 आ गई है, मैं फिर आपको लाता हूँ, फिर आपको लाता हूँ। जी जी बोलिए। नहीं ठीक है ना, बोले कोई मतलब, अरे आप बोलिए ना, बोलिए ना, उसके बाद हम उनको लाएंगे, आपसे बात करेंगे। आप अपनी बात पूरे कीजिए। कि जो मुझसे निकलने लगा, तो वो ऐसी सारी चीजें जो मेरे आसपास थी, जैसे मैं उस वक्त मैं कार और गाड़ी रास्ता ये सब मैं बना रही थी, तो या कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर्स है वो बन रहा था मुझसे, तो स्वाभाविक तौर से वो जो मुझे नहीं समझ में था कि ये इसको प्रयोग कहते हैं। मैं जिस उम्र की बात कर रही हूँ उस वक्त मुझे ये समझ में नहीं था कि हाँ इसको आप प्रयोग कहते हैं। वो मेरे लिए स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि जो मैं देख रही हूँ वो मैं बना रही हूँ। उसके बाद दौर थोड़ा और बदला, थोड़े सरफेस बदले और सब्जेक्ट्स बदले, तो सरफेस भी बदले, मैं नई नए सरफेस पे काम करने लगी। तो उसी दौर में बदलाव आते आते मुझे लगता है 5-6 साल 7 साल उस पर काम करते करते धीरे धीरे थोड़ा कंटेम्प्रेरी की तरफ मैं आने लगी, और अभी तो थोड़ा सा उसमें कहते हैं ना कि अब जब बहुत फ्लेवर डालते हैं आप अपनी अपनी बात जब करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की बात निकलती है। तो अब मेरे इंट्रिकेसीज में थोड़ा बहुत मधुबनी रहता है और अब चेंज होते होते इस तरीके का आया है। तो मुझे लगता है कि 15 साल से 10 साल से करीब ऐसा ही है जो अभी का स्टाइल है, यही है जी। हमारे एक बहुत बड़े माटी के कलाकार हैं और बहुत सारे उसमें वो प्रयोग करते हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह भी, ज्वेलरी वगैरह भी बनाते हैं। उनका नाम है हरीश धवन जी, और हरीश धवन जी ग्वालियर से हैं। और वो मैंने उनके आपके बारे में उनको कहा था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप उनका नंबर भी देना, हम कुछ उनसे बात करेंगे, आपके साथ वो कुछ करना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि लोक कला को समझना और समझाना बहुत ही आवश्यक बात होती है, कि लोक कला का बहुत पावरफुल रोल होता है और आप लोग समझते हैं। आपके शहर के और आपके भूमि के एक कलाकार हैं हमारे पास, रविंद्र दास जी। रविंद्र दास जी आपके भूमि के हैं, मिथिला के हैं, और आपके शहर के हैं, मतलब पटना आर्ट कॉलेज के हैं। पटना में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, और वो आपकी विधा में भी काम करते हैं, आपके विधा को भी समझते हैं। ही इज ए पेंटर एंड यू नो नॉट रिलक्टेंट बट ए कैजुअल क्रिटिक ऑल्सो। तो मैं रविंद्र जी से पूछता हूं कि रविंद्र जी, आप इनके कला को कैसे समझते हैं एज ए सीनियर, एज ए मैन फ्रॉम द एज ए नेटिव नेटिव ऑफ मिथिला और पटना के होने के लिए और मधुबनी कला के जानकार होने के रूप में आप इनके कला को कैसे देखते हैं, फिर इनके से आगे की बात करें। जी मैं रविंद्र जी को यहाँ ले आया। सबसे पहले तो मुझे खुशी है मिथिला से, सिर्फ मिथिला कला ही नहीं है जो विश्व भर में विख्यात है, मिथिला पेंटिंग सब लोग जानते हैं, उसके बारे में तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट से लेकर के कॉमन किताब तक इतना अवेलेबल है कि मैं दिल्ली के एक स्कूल में गया तो उससे मैंने पूछा कि तुमने मधुबनी पेंटिंग क्यों की जबकि तुम केरल की रहने वाली हो। उसने कहा कि सर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा उपलब्ध है। तो आप समझ सकते हैं मिथिला पेंटिंग की पॉपुलरिटी भारत में अन्य लोक कलाओं के मुकाबले सबसे ज्यादा है। अब आते हैं कि गंगा देवी सबसे पहली कलाकार थी जिन्होंने नए रूपों पर काम करना शुरू किया। मिथिला पेंटर्स में से, आम लोक कलाकार में से सबसे पहले नए विषयों पर काम करने वाली कलाकार में से गंगा देवी। लेकिन मैं मीनाक्षी की बात
इस समय इस कर रहा हूँ, मीनाक्षी में वो टैलेंट शख्सियत है कि शुरुआती दौर में ये भी एक लोक कलाकार थी और एज ए लोक कलाकार पार्टिसिपेट भी किया इन्होंने। पहले मैं पटना स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर के पास इनकी लगी हुई बहुत सारे चित्रों को देखता था, तब मैं इनसे मिला नहीं था, जानता नहीं था कि मीनाक्षी चक्रवर्ती कलाकार है, लेकिन एक मधुबनी चित्रकार है, पहला परिचय मुझे हुआ। उस बाद से मैंने लगातार पटना की सारी गतिविधियों में मैंने इनको शामिल देखा। धीरे 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 सभी अखबारों में ये छपने लगे और चर्चित कलाकार के रूप हो गई। आज पिछले दिनों बात है, जब एक कैंप में इनको पार्टिसिपेशन का मौका मिला एज ए लोक कलाकार, तो इन्होंने कहा कि मैं अब कलाकार नहीं हूँ, मैं आधुनिक कलाकार हूँ। अब एक नई पहचान थी मेरे सामने कि मीनाक्षी जया बनर्जी अब लोक कलाकार नहीं है, अब वो अपने को आधुनिक कलाकार कह रही है और जो के काम में अब दिखाई भी देता है। आप इधर के काम देखेंगे मीनाक्षी जया बनर्जी, तो उन्होंने तकनीकी रूप से भी नवीनता एक्सेप्ट की है अपने काम में और विषय के रूप में भी नवीनता है, जो आज के आधुनिक संदर्भ आज के विषय है, आज की चीजें हैं उसको पेंट कर रही है। तो दोनों ही तरह से अपने को आधुनिक कलाकार बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब आधुनिकता में भी एक बहुत बड़ा दायरा, जैसे मिथिला में लोक कलाकारों का एक है वर्ग, राज्य पुरस्कार, नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनली फेमस होना, तमाम गैलरी में उनको एक्सेप्ट किया जाना, तो ये एक चुनौती है इनके लिए कि आधुनिक कलाकार के रूप में अपने को कितना स्थापित कर पाती है, कितना चर्चित कर पाती है, कितना काम करती है, ये भविष्य की बात है। लेकिन अभी इनसे बहुत उम्मीद है, इनके काम और लगन को देखते हुए। हाल में दिल्ली में इनकी एकल प्रदर्शनी हुई थी, मैं गया था उसमें और सारे काम को बारीकी से देखा। पूरी लोक कला की बुनियादी बातें होती, लोक कला की जो खुशबू है वो भी है और आधुनिकता की कोशिश भी दिखती है। धीरे धीरे अब आधुनिकता की कोशिश बढ़ती जा रही है, अब ये आगे कहां तक बढ़ेगी, किस दिशा में ले जाएंगे, ये एक खुद तय करेंगे। हाँ कैलाश, स्पेसिफिक आप एक स्पेसिफिक आर्ट को उनका जो आपने देखा उसमें एक किसी आर्ट को लेकर के उसके कुछ एलिमेंट की चर्चा आप कर सकते हैं। इनके पेंटिंग में मैं एक बैकग्राउंड में करीब करीब पूरा का पूरा मिनिएचर की तरह, जैसे मधुबनी पेंटिंग का एक आम लोक कला का लाइन ड्राइंग होता है वो प्रयोग करते हैं, फिर उस कोई फिगर थ्री डायमेंशनल लाने की कोशिश करते हैं जिसमें ये थ्री डायमेंशन लाती है। ऐसा अधिकतर इनके सीरीज वर्क में आजकल काम में चल रहा है। और दो तरह के कलाकार इन दिनों मधुबनी पेंटिंग की आधुनिकता ला रहे हैं, एक देख रहे हो अविनाश कर्ण, संतोष दास, इस तरह के बहुत से कलाकार हैं जो शैली को बुनियादी रखे हैं, मधुबनी पेंटिंग की ओरिजिनल शैली ओरिजिनल तकनीकी में ही इस्तेमाल करते हैं लेकिन विषय में नवीनता ला रहे हैं। लेकिन मीनाक्षी झा बनर्जी या संजू दास, इस तरह के और भी कई कलाकार हैं, एक रीना सिंह है बॉम्बे से, जो तकनीकी रूप से भी नवीनता ला रही है, उसमें भी चेंज कर रही है। थैंक यू सर। मीनाक्षी जी, इनके बात से आप कितनी सहमति रखते हैं, कितनी असहमति रखते हैं? नहीं, सहमति है, सही कहा। पहला जो परिचय है, हेलो जी जी, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ सुन रहा हूँ, सुन कैलाश जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए, सुन पा रहा हूँ। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं रविंद्र भैया की जो पहला परिचय है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि शुरुआत हुई, बट चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, समय के साथ बदलाव यही नियति है। तो मुझे लगता है कि वही है, एज अ आर्टिस्ट मैं यही कह सकती हूँ कि मैंने कभी कोशिश नहीं की, जैसे जो बात हो रही है कि कोशिश है, मुझे लगता है कि ये जो बदलाव है बहुत स्वतः हुआ है और मैंने समय दिया है उसके लिए। जब मैंने शुरुआत की मतलब पेंटिंग में, तब भी मैंने कहा कि वो द्वंद्व जो है वो चलता जा रहा था, द्वंद्व ये था कि मुझसे वो नहीं निकल पाता, वो एक
बहुत नायाब फोक आर्टिस्ट जो कर पाते हैं शायद वो मैं कर पाऊँ, क्योंकि अभी 22 साल या और भी, क्योंकि मोदास जी जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो आज 22 साल पहले की बात है कि पटना रेलवे स्टेशन पे मेरी 28 पेंटिंग्स लगी है गौतम बुद्धा के लाइफ हिस्ट्री पे, वो अभी भी है। तो वो उस वक्त अगर मैंने प्रोफेशनली इतना बड़ा काम किया था तो आप समझ सकते हैं कि यात्रा कहाँ से शुरू हुई है। तो मुझे लगता है कि वो वही दौर था कि जब मैंने शुरू किया और द्वंद चलता रहा कि मुझसे वो बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है जो एक बहुत नायाब फोक आर्टिस्ट काम कर पा रहे हैं, और वो शायद इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि आपका जो आबो हवा है, आपका जो वातावरण है, आपकी जो शिक्षा है, आपका जो परिवेश है, वो आपके पर्सनालिटी पे, आपके व्यक्तित्व पे उसका पूरा छाप होता है। तो कुछ भी चीज मुझे लगता, और इसीलिए ये जो स्वतः चेंज है, ये स्वतः चेंज है बहुत आवश्यक था, मुझे लगता है कि यही, और उसपे प्रयास नहीं है, वो स्वतः है, और वो करते करते अभी आप जो 10-12 साल से 15 साल से जो सिग्नेचर स्टाइल जिसको कहते हैं लोग, वो अगर आया है तो वो वही स्वतः स्वतः आया है, धीरे धीरे आते आते वो आधुनिकता की तरफ, क्योंकि आप जब ग्रो करते हैं ना कैलाश जी, मुझे लगता है कि हर लोग वाकिफ रखते हैं इससे, कोई भी बच्चा जब बड़ा होता है, जब और सीनियर होता है, उसकी परिपक्वता बढ़ती है, उसकी समझ बढ़ती है, और बहुत कलाकार के लिए, लेखक के लिए, या जो भी नृत्य संगीत में जो लोग हैं, वो हर दिन एक चैलेंज है, हर दिन सीखने की एक नई चीज सामने आती है, चैलेंजेस आता है सामने, तो आप अपने आप को थोड़ा और परिपक्व करते हैं, करने की कोशिश है, क्योंकि आप बहुत साधारण रूप से अगर मैं कहूँ तो पूरे विश्व में अगर आपने 22 साल दिया, 25 साल दिया, 30 साल दिया, 40 साल दिया, लेकिन आप एक बिंदु मात्र हैं, मैं एक बिंदु मात्र हूँ, तो वो अगर दिखता है तो दिखता है कि आपने बहुत भी काम कर लिया, तब भी आप बिल्कुल अब सीखने के ही दौर पे हैं। तो वही है, प्रोसेस है, अब चेंज तो है ही, चेंज तो मतलब कहते हैं कि इट्स द ओनली कॉन्स्टेंट, तो चल रहा है, और कोशिश रहती है कि थोड़ा और परिपक्व हो काम, थोड़ा और तकनीकी रूप से थोड़ा और बेहतर हो, तो ये प्रयास है और मैं कर रही हूँ। और वो जो 22 साल पहले की जो चर्चा कर रहे हैं, बहुत चैलेंजिंग वर्क था मेरे लिए, वो चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि बोले बोले जी चैलेंजिंग आपका क्वेश्चन, आपके सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम है, पता अब नहीं, आज 2 दिन से नेट का कुछ इशू चल रहा है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा मैं आपको जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ये तो उषा किरण खान जी कह रही है कि आपको वो सी स्टैम्पिंग यू एज ए कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, वो कह रही है कि समकालीन कलाकार कह सकते हैं आप मीनाक्षी को, दिस इज द कमेंट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम डॉक्टर पद्मश्री उषा किरण खान। दूसरी बात यह है कि हरीश धवन जी कहते हैं कि बहुत ही दुखद है कि आज लगभग 20 सालों से लोक कला की कई प्राचीन कला का मूल स्वरूप ही बिगड़ गया है, ना ही रंग का ही विषय है, वह गोंड पेंटिंग हो, मिथिला पेंटिंग हो, या वारली ही क्यों ना हो, यह बहुत ही दुखद है। एक तो यह है, इस पे आप अपना बोलिएगा। और मैं एक क्लू लेता हूं रविंद्र जी से, रविंद्र जी कहते हैं, आपने रविंद्र जी ने एक प्रश्न पूछा है, और लेकिन वो बड़े स्मार्टली निकल गए, उन्होंने प्रश्न, मैंने आपको ये कह दिया कि हमने प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन उन्होंने पूछ दिया। उनका प्रश्न ये था कि ये आज यहाँ पहुंची है, पता नहीं ये कहाँ तक जाती है, तो एज एन आर्टिस्ट, यू नो, फॉरवर्ड लुकिंग फ्यूचर आर्टिस्ट, अपने को आज से जो 20 साल की आप कला जगत की हुई है, 40 साल में आप कहाँ देखना चाहती है, दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू, फ्रॉम द एंगल ऑफ रविंद्र जी, प्लीज। देखिए प्रयास सबका रहेगा, मुझे लगता है कि सब लोग सारे आर्टिस्ट उसी दौर में हैं, कोशिश सबकी रहेगी कि थोड़ी और काम कर सके, और ये प्रयास मात्र है, क्योंकि बहुत सीनियर आर्टिस्ट लोग भी कहते हैं, और मुझे ये 22-25 साल के एक्सपीरियंस में भी मैं यही कह रही हूँ बार बार कि सीखने का दौर है, ये सीखने का ही दौर है, अब कोशिश तो हमेशा रहेगी कि बेहतर काम किया जाए।
प्रणाम आंटी। प्रणाम दीदी, प्रणाम। कोशिश तो है कि कुछ बेहतर कर सके, इससे कुछ बेहतर निकल सके। छटपटाहट तो बहुत होती है कैलाश जी, आप जानते होंगे जो भी जो क्रिएटिव फील्ड में है, मतलब अभी तो सारे लोग स्क्रीन पे क्रिएटिव फील्ड में ही हैं, तो वो छटपटाहट बहुत रहती है कि बहुत बढ़िया बढ़िया काम करें। और आप कहते हैं ना कि मतलब हम, मैं खुद के बारे में क्या, मेरे बारे में अगर कुछ बेहतर अगर मैं काम करूंगी तो मुझे लगता है कि बाकी लोग जो बोलेंगे तो वही बड़ी बात होती है। तो कोशिश तो रहती है कि कुछ और बेहतर कर सकूं, थोड़ा और परिपक्व हो काम मेरा, तो वो कोशिश रहेगी। तो वही बात है, देखने की बात ये है, सही में ये चैलेंज है कि बढ़ती हूँ तो मैं कहाँ तक जाती हूँ। मैं भी साथ हूँ, रविंद्र भैया के साथ हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैं कहाँ तक जाती हूँ। और दूसरी बात, आपने कहा कि फोक आर्ट में बहुत सारा वो आप कह रहे थे कि बहुत डाइल्यूशन आ गया है, तो ऐसा नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि देखिए आप अगर मधुबनी का जो आप लोकल आर्टिस्ट जितने भी महान लोग हैं वो उनसे लेकर जो भी अभी नौ सिक्के आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं। और उसी तरीके से अगर आप जाएं गुजरात जाएं तो गुजरात में भरत का गुजरात का काम हो रहा है, वैसे ही आप किसी और क्षेत्र में जाएं तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि फोक आर्ट के लिए चैलेंज नहीं है, अच्छा काम हो रहा है। और ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हमेशा ही बहुत मतलब उनको मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो एक कल्चर बचा के रखते हैं। तो बहुत जगहों पे बहुत ट्रेडिशनल काम बहुत अच्छा हो रहा है। अभी भी हमारे यहाँ अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि मधुबनी के छह पद्मश्री है, तो हमारे पास छह पद्मश्री थे और वो अभी लेटेस्ट बुआ देवी को पद्मश्री मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काम बहुत बेहतर हो रहा है, बहुत ऊंचाई का हो रहा है। जी प्रेडी भी है और थोड़ी सी आपसे सीनियर है मनीषा झा। मनीषा झा कह रही है कि लव योर ब्राइट कलर्स एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स। अब मैं आपके बारे में थोड़ा सा पंचश्री उषा किरण खान का विचार लेना चाहूंगा, उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो फोक है, इस फोक को जो ये जो फोक शब्द है अंग्रेजी का, ये बाहरी प्रदूषित शब्द है। भारतीय परंपरा में फोक कोई अलग कैटेगरी, लोक और जो वेद है वो दोनों साथ चलता है, पैरेलल चलता है। लेकिन पश्चिम के लोगों ने फोक में कर लिया। 2016 का नोबेल प्राइज एक फोक आर्टिस्ट को मिला, बॉब डिलन को, है ना रविंद्र जी, बॉब डिलन को मिला। और बॉब डिलन केवल फोक गाने में एक्सपेरिमेंट करके गाता है और लिखता भी है। तो लिटरेचर का नोबेल प्राइज फोक को मिला। हम लोग कल हम एक माटी के कलाकार को लाए थे और वो हमें कह रहे थे कि मूर्ति वाले को सारे अवार्ड दे देते हैं, जो बर्तन बनाते हैं या माटी के जो दूसरे ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको नहीं देते। तो जो हमारी जो हमने जो हमारी जो मानसिकता है, उस मानसिकता से हमने उन्होंने फोक को सुधार कर लिया और हमने लोक को फोक बना दिया। तो हमें इस बात में थोड़ी सी सजग रहने की जरूरत है। और मैं अब मैं पद्मश्री उषा किरण खान से जानना चाहता हूं कि हाउ डू सी व्यू योर आर्ट वर्क, योर क्रिएटिविटी एंड योर इंडिविजुअलिटी ऑल्सो। दीदी आपको, आपका स्वागत है फोक ब्रेन में, और आप तो हमारी ऊर्जा है, उत्स है, आप हमें बताती है कि कैसे चलना चाहिए। तो और बार बार हम आपको डिस्टर्ब करते हैं एंड यू फील इलेटेड टू गेट डिस्टर्ब। तो मैं जानना चाहता हूँ आपके श्री बुक से कि आप मीनाक्षी को कैसे रेट करती है, किस तरह से देखती है और उनका भविष्य क्या देखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कैलाश जी कि आपने मुझे कितने दिनों के बाद, जो अंतिम समय भी जो बीमार थी तो आप ही के पास थी और आते आते नहीं आ पाई थी, और उसके बाद पहले दिन आप ही के पास हूँ और संजोगवश आज मीनाक्षी पूरी तरह से है जी। तो
ये सारे लोग रविंद्र जी, मीनाक्षी, संजू दास वगैरह जितने हमारे अब राष्ट्रीय फलक पर चमकते हुए सितारे हैं जो हमारे मिथिला के हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में ये लोग तीनों तीनों को मैं रेट करती हूँ अपनी दृष्टि से, क्योंकि मैं कला को बहुत ज्यादा रेट करने योग्य अपने को नहीं समझती हूँ। कला पसंद जरूर करती हूँ, क्योंकि जो साहित्यकार होगा और स्वभावतः जो मिथिला का होगा उसे वो पसंद आएगा। तो इन सबको मैं समकालीन कलाकार के रूप में रेट करती हूँ। इनका जो आधार है वो मिथिला पेंटिंग ही है, रंग इनके पास मिथिला पेंटिंग के ही हैं, और इनका सेट ऑफ माइंड भी मिथिला ही है। ये सब तो सब जान रहा है क्योंकि ये लोग मिथिला के हैं, तो वो जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा। अब जैसे कि मीनाक्षी ने स्वयं बताया और ठीक इसी प्रकार रविंद्र जी जब बताते हैं या जब यहाँ वहाँ कहीं खंड में उनका देखा सुना, तो वैसे कलाकार को या साहित्यकार को अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनकी कला और उनका साहित्य ही बता देता है कि उनकी दिशा क्या है सोच की। तो उस तरह से मैं इन लोगों के विकास को देख रही हूँ और इनकी दिशा को देख रही हूँ। जरूरी भी है, क्योंकि अभी तुरंत धवन साहब ने भी एक प्रश्न किया, ये सब गुथा हुआ एक दूसरे में। इस दृष्टि से मैं मीनाक्षी के विषय में कहना चाहती हूँ कि किसी समय सीता देवी या जगदम्बा देवी या उनकी माँ और दादी या हमारी दादी परदादी जो भी होंगी, वो जो दीवार पे, जो मिट्टी की दीवार पे जो चित्र बनाती होंगी, उनका रंग संयोजन, उनके आंखों का भाव, उनका अंग का भाव, जो कुछ भी होगा वो तो दिमाग में है, आपकी भी आंखों में है। आप लोगों ने जो कला प्रेमी उन्होंने देखा है जानते हैं। वही विकसित हो करके आज के समकालीन कला में ढल गया है, ये तो हम सब समझ रहे हैं, लेकिन कोई जिद से सिर्फ उसी कला को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी में कुछ जैसे कि हमारे यहाँ रानी झा हैं, वही कला कर रही हैं जो सीता देवी और जगदम्बा देवी कर रही थी, लेकिन उसी में उन्होंने थोड़ा सा अपना रंग को और रेखा को बदला है, विषय को भी बदला है। लेकिन मीनाक्षी चाहे रविंद्र दास जी वगैरह जो हैं, इन लोगों ने सिर्फ रंग और रेखा को नहीं बदला है, कुछ सोच भी बदला है। उसका कारण मुझे लगता है शिक्षा, क्योंकि इन लोगों की शिक्षा दीक्षा हुई है समकालीन तरीके से। उसके अलावे इन लोगों ने मुझे लगता है, जैसे मीनाक्षी के विषय में एक दूसरी भी बात बता दूं कि वो साहित्यकार भी है, साहित्य भी करती है, साहित्य पढ़ती है और खुद कवि है। तो जो स्वयं कवि है, जो साहित्य करती है, जबकि वो उसका गौण है पक्ष, लेकिन वो कवि भी है। तो जो स्वयं कवि है, जो स्वयं साहित्य करती है, उसके दिमाग में हमेशा जो चित्र की आकृति आती होगी वो साहित्य की कल्पना के आधार पर भी आती होगी। मुझे नहीं मालूम कि रविंद्र जी साहित्य लिखते हैं या नहीं, लेकिन साहित्य पढ़ते होंगे, क्योंकि उनका जो जितनी भी, मेरे भी एक कथा संग्रह का कवर रविंद्र जी ने किया है, तो साहित्य उन्होंने पढ़ा है, तभी तो वो उस कलर, उस कवर को बना सकते हैं, साहित्य को समझते हैं। तो साहित्य और कला इतना गुथा हुआ है। और हमारी जो सीता देवी और जगदम्बा देवी थी या बबुआ देवी ही अभी हैं, ये लोग साहित्य को आत्मसात की हुई व्यक्ति हैं, उन्होंने अलग से कुछ नहीं पढ़ा लिखा है। और इन लोगों ने समकालीन साहित्य पढ़ रहे हैं और स्वयं रचयिता हैं, इसीलिए इनकी रचना में कुछ विशेषता है। और मीनाक्षी की रचना में, चूंकि मीनाक्षी स्वयं कवि है, तो उसकी उसके हर चित्र में मुझे कवि कल्पना दृष्टि गोचर हो रही है, क्योंकि बहुत सारा जो हमने उनको विषय दिया तब जो बनाया वो तो ठीक है कि मेरे विषय पर बनाया, लेकिन स्वयं वो खुद जो बनाती हैं, जिसके विषय में रविंद्र जी बता रहे थे कि पीछे में मिथिला कला का मिनिएचर रहता है, मैंने भी उस पर गौर किया है,
जो वो रहता है, चाहे अनेक जीव होते हैं, और मुझे लगता है कि सभी जीवों में वो देवी को दर्शन करती है, देवी देखती है। तो इसके मूल में देवी है, वो देवी जो है वो मिथिला की हो सकती है, वो सीता की भूमि की है, तो उनकी दृष्टि में देवी है जो हर जीव के अंदर अवस्थित दिखाई देती है मुझको। तो ये अभी की बात है, आप 20 साल बाद जो मीनाक्षी होगी, मैं कामना करती हूँ कि जैसे मैं यहाँ बैठी बैठी आप सबों की चहेती कैसे हो गई जो दिल्ली में रहते हैं और पूरे भारत में, इसी तरह मीनाक्षी भी हो सकता है। जिस तरह रविंद्र दास जी ने संकेत किया कि कौन सा कलाकार, अभी तक तो उस तरह का कोई पुरस्कार नहीं बना है, तो उस समकालीन कला में एक बहुत बड़ा जंगल है जिस जंगल में आप लोग घुसे हुए हैं, और उस जंगल में आपको पुरस्कार मिलना बहुत आसान नहीं है। अगर आप लोक कला में अपने इलाके के कलाकारों में आपको पुरस्कार मिलना उतना कठिन नहीं है, लेकिन अभी आपको पुरस्कृत होने में कठिनाई है, लेकिन स्थापित होने में कोई कठिनाई नहीं है, आप एक तरह से स्थापित हैं। तो हमको लग रहा है कि मीनाक्षी आज से 20 साल बाद इसने ये जरूर क्षितिज छुएगी, ऐसा हमको लगता है। मगर दो तीन बातें हैं मीनाक्षी के साथ जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहती हूँ, कि मीनाक्षी न सिर्फ कवि है बल्कि वो समाज में भी जाती है, समाज के लोगों की चिंता करती है, उसके अंदर समाज की सच्ची संवेदना है। जैसे वो स्ट्रीट चिल्ड्रन को, यहाँ वहाँ घूमने वाले बच्चों को एक साथ करके कहानी घर नामक एक संस्था बना के रखी है, और उसमें उन लोगों को कहानी ही न सिर्फ सुनाती है, वो तो एक बहाना है, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको जीवन पद्धति बताना, उनकी वो अहैतुक रूप से ये काम करती है। तो इस तरह से वो समाज में भी जाती है। तो जो व्यक्ति इतने तरह का काम करता है वो नहीं क्षितिज छुएगा तो कौन छुएगा, उसको देर जरूर लगेगी, अंधेर नहीं है दुनिया में। तो हमारा अपना, मैं एक आशीर्वाद के तौर पर भी ये बात कह सकती हूँ, और उसकी प्रतिभा को देख के भी मेरे मन में ये बात आती है कि वो बहुत आगे जाएगी, क्योंकि उसके अंदर संवेदना है और साहित्य तो है। मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ दीदी, कि जब मैंने इस फोक ब्रेन की स्थापना की तो मैंने ये नाम कैजुअली कर दिया, लेकिन अब जिस तरह से आप लोगों का आशीर्वाद, लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो लगता है कि ये नाम बहुत अच्छा हो गया। तो हमारे पास शिल्प गुरु राजेंद्र गोंदवाल जी हैं, और राजेंद्र गोंदवाल जी पहले हाथी के दांत में और सारे चीज में काम करते थे, चंदन के लकड़ी में काम करते थे, क्या कहते हैं, कदम के लकड़ी में काम करते थे, अभी भी करते हैं, कदम के लकड़ी, चंदन के लकड़ी में, हाथी दांत तो बैन हो गया है। तो जो आप जो टिप्पणी कर रही थी तो उससे बहुत प्रभावित हो रहे थे, और जो है वो आपकी बात को सही मान रहे हो, कह रहे कि बहुत ही सही टिप्पणी। और राजेंद्र गोंदवाल जी, शिल्प गुरु राजेंद्र गोंदवाल जी ये भी कह रहे हैं कि आपका कार्य अपने आप पुरस्कार ग्रहण कर लेगा, आपका काम ये नहीं है कि पुरस्कार के पीछे भागना। मीनाक्षी, दिस इज फॉर यू। आपका काम ये नहीं है कि पुरस्कार के पीछे भागना, पुरस्कार का काम है कि आपको दबोच लेना, आपको कहना रुक जाओ, तुम ही हो इसकी अधिकारिणी और तुमको ये मिलेगा। तो ये जो है ये उषा दीदी का आशीर्वाद ही नहीं है, इसको हम अंग्रेजी में बोले तो इसको बोलेंगे कॉग्निटिव ब्लेसिंग्स, है ना, ये इट इज एन इंटेलिजेंट ब्लेसिंग, शी इज इंटेलिजेंटली ब्लेसिंग यू। तो इसको आप बहुत बड़ी बात समझ लीजिए। हमारे पास कलाकार शरद जी आए हुए, शरद कुमार, वो कह रहे हैं लोक ही साहित्य की भी जननी है और कला की भी, एक सुंदर परिचर्या के लिए सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो वेरी मच शरद जी, गॉड ब्लेस यू। और उषा दीदी भी आपको ब्लेसिंग्स देगी। अभय शंकर जी कह रहे हैं बहुत सटीक विश्लेषण लोक कला पर, आभार। तो मैंने
मीनाक्षी को का, मैंने बताया नहीं कि हम आपको भी ला रहे हैं और अभी एक दो लोगों को और लाएंगे, तो बोली किसको ला रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं ये थोड़ा सा आपके लिए सरप्राइज रखता हूँ, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आपको अच्छा लग रहा है मीनाक्षी जी? हाँ, तो अब मैं मीनाक्षी को यहाँ ला रहा हूँ, और मीनाक्षी को उषा दीदी के बात पर रिस्पॉन्स करने के लिए कहता हूँ। उषा दीदी के बात पर आप रिस्पॉन्स कीजिए। जी कैलाश जी, वही मैं कह रही थी कि श्रीमती उषा किरण खान मेरे लिए दूसरी माँ के समान। और मैं आपको बताऊं कि मेरी शादी के कई साल पहले से मेरा बहुत अंतरंग इनके साथ रिश्ता रहा है, और वो आशीर्वाद मिलता रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे साथ कि ये प्रेम जो है मुझे मेरे शादी के पहले से, कई साल पहले से मिलता रहा। और ये सब आपको कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी को, किसी के भी पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा हेल्प होता है। तो इनका आशीर्वाद, अंकल का आशीर्वाद हमेशा रहा है, और ये मुझे अभी भी शक्ति देता है। वो बोल रही थी और मेरे आँख में वो सारा कुछ दौड़ रहा था, पहले के समय का भी सब कुछ। तो हमेशा ये मेरे लिए बहुत प्रोत्साहन रहता है कि जब आज मेरे बारे में इस तरीके से बोलती है, तो मुझे लगता है कि जब इतनी बड़ी हस्ती कुछ बोल रही है, तो मेरे लिए भी एक जिम्मेदारी है कि मुझे इनके उम्मीद पे खरा उतरना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हमेशा बने रहे मेरे साथ, आशीर्वाद देती है। थैंक यू सो मच जी कैलाश जी, बताएं। रविंदर जी, अगर मैं आपको कहूं कि मीनाक्षी झा बनर्जी के कला पर आप पांच टू द पॉइंट बात बताइए, उसमें तीन इनकी विशेषता बताइए और दो इनकी खामी बताइए जिसमें ये अपने आप को इंप्रूव कर ले। इसी आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ ए हार्ड टास्क मास्टर, हार्ड हिटर, प्लीज एक्सक्यूज मी, आप क्या बताएंगे? है, वो ये है कि कलर के क्रोम संपत्ति है, मतलब अट्रैक्टिव हो सकता है। एक सुंदर पेंटिंग कैसी लगती है, ये इनकी पेंटिंग की सबसे बड़ी खासियत है। मतलब इनकी सारी पेंटिंग खूबसूरती के लिहाज से नंबर वन है। अब ये हुआ एक क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी ये है कि उसमें जिस रूट से आप आते हैं, जो आपका जड़ है, मिथिला का पृष्ठभूमि या मिथिला की जो पेंटिंग है, उसका पूरा खुशबू मिलता है उनकी पेंटिंग से। मतलब कहीं से भी कोई देख के, बिना बताए, कोई ना हो तब भी देख कह सकता है कि इनका बैकग्राउंड मिथिला है, मिथिला क्षेत्र से आने वाली समकालीन कलाकार, ये बिना लिखे हुए जान जा सकता है। दूसरी क्वालिटी हुई, तीसरी क्वालिटी ये है कि साहित्यकार खुद है, तो साहित्य की रचनाओं को या साहित्य को अपने कला में माध्यम बनाती है। मतलब साहित्य से लेकर, जैसे हम सब लोग कोई नाटक से, कोई फिल्म से, कोई मूर्ति कला से, विभिन्न चीजों से हम लोग रूट सीखते हैं चीजों को, और वो अपनी कला में, अपने पेंटिंग में, अपने कैनवास पर अलग तरीके से रखते हैं। तो मीनाक्षी भी साहित्य से ट्रांसफर करती है अपनी कलाकृतियों में, तो ये बहुत अच्छी बात है। तीनों ही अच्छे गुण। अब एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि लोक कला का ग्रामर अलग है, लेकिन आधुनिक कला का, समकालीन कला का ग्रामर तेजी से बढ़ता है। जैसे भारत में हम सब लोग जो काम कर रहे हैं, वो अधिकतर कैनवस पे पेंटिंग कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कैनवस से बाहर निकल गई कला, कला कैनवस से बाहर गई, मतलब इंस्टॉलेशन आर्ट, वीडियो आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, तमाम तरह की आर्ट आ गई। लेकिन उसके बावजूद, चूंकि हमारा भारत अभी बहुत पीछे है, तो इसीलिए अभी यहाँ पर 90% कलाकार सोचना पड़ता कि जब समकालीन कला के क्षेत्र में आते हैं, कुछ ना कुछ दूसरे माध्यम, दूसरे चीजें, नया जो आ रहा है तकनीकी, उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और समकालीनता में जो समकालीन समस्याएं हैं उनको अपने पेंटिंग में लाना पड़ेगा। ये होती है चुनौती। मैं इसको खामी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि उन्होंने पिछले 5-10 वर्षों से आधुनिकता की ओर शुरुआत की है, तो 5-10 वर्षों में ये चीजें आ जाएंगी, अपने आप आ जाएंगी।
जी ग्रेट मीनाक्षी जी डू यू वांट टू रिस्पॉन्स सही बोली है, बहुत स्वतः तरीके से ही आएगा। और अभी फिलहाल जो काम मैंने फेसबुक पे नहीं डाला है, कुछ काम ऐसा है जो रविंद्र दास जी बोल रहे थे, सही कह रहे हैं कि पूरा प्रयोग और करना होगा सरफेस को लेकर इंस्टॉलेशन की तरफ। तो मेरा कुछ काम ऐसा चल रहा है अभी, अभी मैंने एक काम अभी तक अपलोड नहीं किया या कहीं किसी को दिखाया नहीं है। रोटी नाम से एक काम किया है मैंने, जिसको मैं कुछ दिनों में शायद दिखा पाऊंगी। तो वो बहुत एक्सपेरिमेंटल है, अलग है, पेपर मैशी के साथ कुछ काम किया है। और इसी तरीके से दो और प्रोजेक्ट है अभी सामने, जो किसी और सरफेस पे आएगा, इंस्टॉलेशन के रूप में आएगा, जो मेरे किसी एग्जीबिशन में, नेक्स्ट किसी एग्जीबिशन में दिखेगा। तो वही है वो छटपटाहट आप जो अभी कह रहे थे, सही कह रहे थे कि आगे बढ़ने के लिए या बाकी भी मतलब अगर आप ग्लोबली आगे बढ़ते हैं तो देखना पड़ेगा कि बाकी भी जो मीडियम्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसको कैसे आप आत्मसात करते हैं। तो वो धीरे धीरे हो रहा है और वो भी स्वतः है, क्योंकि किसी भी चीज को मैंने अभी बहुत डेलिबरेटली नहीं किया है, तो मुझे लग रहा है वो भी स्वतः आ रहा है। और कुछ चीजें हैं और उसी दौर में कैलाश जी शायद आप नहीं जानते हो या आपने देखा भी होगा, 2014 में मैंने एक कार पे पेंटिंग की थी। कार मतलब जो गाड़ी मैं चलाती हूँ सेंट्रो है, वो सेंट्रो पे पूरा पेंटिंग है और वो बहुत कंटेम्पराइज लेकिन बहुत उसमें फोक है पेंटिंग, मतलब मधुबनी है पूरा भरा हुआ। और वो गाड़ी कहीं से भी निकल के आती है पब्लिक आर्ट में, क्योंकि वो उस दौर में मुझे बहुत इस बात की खलबलाहट थी कि कुछ ऐसा हो कि लोगों में और रुचि जगे, समाज में और रुचि जगे पेंटिंग को लेकर। तो उसी समय मैंने एक वो सोचा कि मैं अपने कार को, जो कार मैं चलाती हूँ, उसको पेंट करूं। और वो पेंट किया था, उसका नाम बहुरिया रखा है और बहुरिया अभी भी रोड पे चलती है तो बहुत रंगीन है बहुरिया, और काफी लोग जानते हैं उसको, बहुरिया को। और उसके बाद मैंने एक और इंटरनेशनल एग्जीबिशन सिंपोजियम में मैंने एक और कार पेंट की, तो वो एक इंस्टॉलेशन था, थोड़ा बहुत काम उसमें हुआ। और अभी एक कुछ और भी चल रहा है। तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस बात से कि ग्लोबल होने के लिए आपको बाकी और तरफ भी ध्यान देना होगा, और वो प्रोसेस है, चल रहा है, कोशिश है। अच्छा, तो ये बातें हुई। और रविंद्र जी आप आए, बहुत बढ़िया। और एक बार मैंने आपको भोगबेड़ में बुलाने का कोशिश किया था लेकिन हो नहीं पाया, कुछ तकनीकी खामी के कारण। तो हम फिर आपको बुलाएंगे, आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मुझे दूसरे को लाना है, इसलिए आपको मैं स्ट्रीम से हटा रहा हूँ। और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए, अपने विचार आप लिख के देते रहिए। शरद जी, अगर आपको कुछ कहना हो तो आप लिखते रहिए। नमस्कार रविंद्र जी, नमस्कार। अब मुझे लगता है कि हमने इनके बारे में बहुत ही तर्कपूर्ण, वो तो कहती है कि मुझे कला की जानकारी नहीं है, लेकिन वो तो खुद ही बहुत बड़ा कलाकार है उषा किरण जी। जिस तरह से साहित्य वो रचती है और कला को लाती है, वो कलाकारी ही तो है और क्या है, है ना। तो ये बहुत जरूरी चीज है वो करती है। और उन्होंने जो आपको बहुत बताया और आपके आपके लिए जो उन्होंने एक सपना बना दिया है, आपको उन्होंने सी हैज क्रिएटेड ए डेस्टिनेशन फॉर यू, कि ये है, आपको वहां जाके उसको पकड़ लेना है वो। अब आपको, और आपने सही कहा कि उसके लिए आपको मेहनत करना है, तो आप मेहनत कीजिए। अब मैं चाहता हूं कि हमने आपसे थोड़ी सी बातचीत की, मुझे गीता श्री कह रही थी कि आपने उसके एक पुस्तक का जो है सो कवर डिजाइन बनाया है, and she was very pleased with you. वो कह रही थी कि बहुत अच्छा काम की है, she has been traveling today. लेकिन वो मुझे कह रही थी कि कभी भी अगर मुझे समय मिलाएगा तो मैं आऊंगी, तो वो कभी भी ज्वाइन करेगी, तो I will ask her about you and about your art and about the sensitivity and about the quality and the ability that you have created in the art form, she would talk about. Meanwhile, आप उस यही रहिए,
मैं चाहता हूं कि आप कुछ बोले और अपनी कला के बारे में जो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है अगर आप कहें तो मैं उसको प्लेटफॉर्म पर ला दूं और आप उसको दिखाएं। जी मैं ले आऊं प्लेटफॉर्म पे। जी आप देख पा रहे हैं आप? हाँ तो आप जैसे जैसे कहेंगी वैसे वैसे मैं इसको बढ़ाते जाऊंगा। आप बढ़ाइए, अभी टेक्स्ट है तो बढ़ाते चलेंगे। हाँ तो मैं इसको बढ़ाते जाऊंगा, आप जैसे जैसे कहते जाएंगे वैसे वैसे मैं बढ़ाते जाऊंगा। ये बढ़ाना है जी, बढ़ाते रहे जितना जितना दूर लिखा हुआ है। माय एक्सप्रेशन थ्रू माय आर्ट आर इंटेंसली डेडिकेटेड टू सोसाइटी। To me, it is the mirror of the environment in which I grew up and exist. It is proficiently dedicated to our better half population, genetically turned by females, without which the society cannot be imagined. ये मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने पढ़ा। आगे बढ़ूं? जी, आगे बढ़े क्योंकि ये प्रोफाइल है। हाँ, जहाँ से पेंटिंग है वहां से आप देखो वीडियो से। रुक जाए, यहाँ से रुक जाए जी। हाँ, बोलिए। ये 2014-15 का काम है और आप इसके बाद दूसरे स्लाइड में जाएं, इसके जस्ट बाद जी इसका फिंगर दिखेगा, इसके बाद वाले से। इसके बाद वाले ये इसी में। अब इस अगर आप देखेंगे तो इसमें जो बीच में पूरा है वो बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म है, या जो शेर है वो बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म है, बाकी कंटेम्पररी। जी तो फिर आगे बढ़ाएं, आगे हम जी जी ये काम यही काम है जो मेरे पीछे है, मेरे पीछे जो पेंटिंग लगी है यही काम कब है। का है ये? कब का है ये? 2014 का काम। ग्रेट। जो काम रह जाए एक आध दो तो घर में डिस्प्ले बनता है, ये भी 2014 का ही। तो मेरे काम में वही मैं बता रही थी, मेरे काम में आप देखेंगे बीच बीच में स्ट्रिप्स जैसा आता है, जो फ्लेवर आता है, तो हम लोग कहते हैं ना कि मतलब शरीर में एक खून दौड़ता है जिसमें एक फ्लेवर होता है किसी संस्कृति का। तो मेरे खून में जो भावनाओं में जो फ्लेवर है वो मिथिला का है और वो दिखेगा आपको, और अब तो मिथिला का और बंगाल का भी है फ्लेवर, तो वो दोनों फ्लेवर है। नेक्स्ट, ये काम इफ्को में दिल्ली में उनके कलेक्शन में है, ये एक बड़ा काम है, 5x5 या 6x6 का काम है और उनके परमानेंट कलेक्शन में है दिल्ली में इसको में। नेक्स्ट, हाँ इसके बाद वाला, ये इसके जी, ये सब बहुत छोटी छोटी पेंटिंग्स है, मतलब 4x6 की पेंटिंग्स है। और ये एक समय आया जब मतलब 2018 में मैंने बहुत सारा छोटा काम किया, उस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ व्यक्तित्व पे काम कर रही थी, मतलब एक जो भी एक कैरेक्टर दिख रहा है आपको वो कोई मेरे आसपास की ही कैरेक्टर है, या मेरे कहानी घर की बच्ची है, या मेरे पड़ोस की कोई लेडी है, हर कैरेक्टर जो है वो किसी एक व्यक्तित्व को समर्पित है। तो मैं देख रही थी कि सिर्फ अगर एक कैरेक्टर होता है तो वो एक पेंटिंग में कैसे आता है, और उसमें भी जो मेरा फ्लेवर है वो बच के रहे। तो मुझे लगता है वो एक कोशिश थी और आपके सामने है, बहुत छोटा छोटा काम है। ग्रास हॉपर नाम है इस पेंटिंग का। ये सारा कहीं किसी कलेक्शन में है, कहीं बाहर विदेश में है ये दोनों पेंटिंग। इसके बाद वाली भी दो पेंटिंग, हाँ एक और पेंटिंग,
ये दोनों काम। मेरा बहुत सारा काम इंडिया से बाहर जाता है। मुझे लगता है जो बाहर एनआरआईज है और बाहर में जो लोग हैं जिनको इंडियननेस पसंद है, जिनको लोक कला में जिनकी दिलचस्पी है, शायद वो लेते होंगे ये सब काम। और जो बायर्स है मोस्टली वही बाहर के ही हैं जी। इसके बाद वाला स्लाइड दिखा, ये काम है, ये है 2017 का काम है। अडॉप्शन पे मैंने बहुत सारा काम किया है कैलाश जी। मैं एक एक दौर पे मैंने बहुत सारा काम किसी एक सब्जेक्ट को लेकर किया है। तो एडॉप्शन एक ऐसा विषय था जिसको लेकर मैंने बहुत सारा काम किया, क्योंकि उस समय मुझे मेरे आसपास कई सारे ऐसे लोग थे जो इस चीजों को लेकर झेल रहे थे। और उसमें उस समय में ये भावुकता मेरे सामने रहती थी कि हम देखते हैं कि किसका बच्चा है, कहाँ का बच्चा है, हम किसको लें, मेरा बच्चा होना चाहिए, या अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम कहाँ से अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये सारे विषय जब मेरे दिमाग में घूमता था तो उस वक्त कई सारे ऐसे काम थे तो मैंने अडॉप्शन के नाम पे किया। उसकी एक ये किरण प्रभा कश्यप है, ये पूछ रही है ये सारे कैनवास पर क्या है बिनाक्षी दीदी? ये कैनवास पे रंग कौन सा है? ये भी एडॉप्शन का ही एक और काम है, जहां हम जात धर्म इस सबसे थोड़े अलग हो जाए, वहां ये तो शेर का बेबी है छोटा सा, लेकिन उन सब से ऊपर उठने का ये एक ये रहा है। मेरी सोच रही है कि इन सब से ऊपर उठ जाना चाहिए। अडॉप्शन एक अडॉप्शन है, अगर आप किसी नए जान को अगर आप अपने में समाहित करते हैं और अपने घर का हिस्सा बनाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात है। ये भी कहीं कलेक्शन में है, ये भी अडॉप्शन का ही एक काम है जी। नेक्स्ट वर्क ये ललित कला एकेडमी के कलेक्शन में है, ये 2012 में एक वर्कशॉप हुआ था उसका काम है ये। जी आप आगे दिखाते चले, कुछ होगा तो मैं बताऊंगी। ये भी एक कलेक्शन में है, एक पटना के ही आर्ट कलेक्टर हैं, उनके पास है। ये एक काम है जिसमें हमारे यहाँ पटना में पीएमसीएच में एक मूर्ति बैठती, बहुत बड़ी काली की मूर्ति बैठती है, और पता नहीं वहां पे कहाँ से एक कबूतर आता है जो 10 दिनों तक वहां रहता है। तो वो चीज है कि उसी को सिंबलाइज करके मैंने बनाया था चिड़िया नाम से एक पेंटिंग, जिसमें काली है और काली के ऊपर वो बैठी हुई है। ये सब उस दौर का ही काम है, और बहुत नए काम मैं नहीं इसमें संलग्न कर पाई, टेक्निकली मैं भी बहुत साउंड नहीं हूं, तो ये पीपीटी जो भी है उसमें बहुत नए काम नहीं है। इसके बाद वाला काम दिखाया, ये सिंदूर खेला जी। ये देवी विसर्जन के दिन सिंदूर खेला करके एक रिचुअल होता है, तो मुझे एक बार अचानक से बिल्कुल नजर पड़ा तो देवी का बिल्कुल आंख नाक कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ सिंदूर दिख रहा था, क्योंकि सारी स्त्रियां लगाती हैं उनको सिंदूर। तो उस वक्त इसकी परिकल्पना की थी। ये ललिया नाम से एक कैरेक्टर है मेरी पेंटिंग की, तो जो स्त्री का 4 स्टेज होता है ना लाइफ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जब नाबालिग रहती है, फिर जब नई नई शादी होती है, बहुत सारे स्वप्न होते हैं, उसके बाद एक समय जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, और एक बिल्कुल वृद्धावस्था जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है, संतुष्टि होती है, तो उस पे ललिया नाम की एक कैरेक्टर को मैंने बनाया था। वही इसकी इसकी एक पेंटिंग है ललिया। मुखौटा एक पूरा कलेक्शन बना था, कई सारे फेसेस बनाए थे, और उस पेंटिंग का ही, उस दौर का ही एक ये काम है।
जी नेक्स्ट दिखाएं, नेक्स्ट नेक्स्ट ये सारे ये नए काम है, लेकिन ये भी हो गया एक साल पुराना, दो साल पुराना। ये दोनों काम जो है ना, आपने जो पतले लंबे वाले दो काम देखे, ये चिड़िया कहते हैं, बेटियों को भी चिड़िया कहते हैं, और जाके वो घोंसला बना लेती है कहीं, लेकिन उसका जो अपना घर होता है वो अपना ही घर होता है, तो वो एक क्या कहते हैं उसको, बहुत संजो के रखती है उसको, उसी पे ये दो काम था। नेक्स्ट नेक्स्ट ये जी पहला वाला एक काम, इसके पहले वाला एक काम इसके ऊपर जी, ये एक काम था जो इंडियन आर्ट कलेक्टर्स ने पूरे जितने भी मेट्रो सिटीज हैं उसमें एग्जीबिशन किया था, उसका पार्ट था कि एक शेर आ गया है शहर में, तो बहुत क्लियर नहीं है पिक्चर, लेकिन इसका एग्जीबिशन सारे शहरों में हुआ, सारे मेट्रोज में हुआ। इसके बाद वाला काम जी, इसके बाद वाला नेक्स्ट, हाँ ये भी कलेक्शन में है, इफ्को के कलेक्शन में, इफ्को दिल्ली के कलेक्शन में है, और हिचड़ी नाम से ये एक पेंटिंग है। हमारी जिंदगी है वो बहुत सारी मेमोरीज के साथ बनती है, तो जब हम अपने आप को समेटते हैं, सोचते हैं, एक लाइफ स्पैन के बारे में सोचते हैं, तो बहुत टुकड़े टुकड़े में हमारे पास एक एक विजुअल्स आता है, तो वही खिचड़ी नाम से ये पेंटिंग है उनके कलेक्शन में, इफ्को के कलेक्शन में। नेक्स्ट, ये गांधी पे एक काम हुआ था और इसकी एग्जीबिशन हुई थी यहाँ पटना म्यूजियम में, उसी का पार्ट था गांधी। अब इसमें भी आप देखेंगे, उसमें भी आप देखेंगे गांधी में, गांधी के जो बैक पे जितना बना है वो गुदरा जो पेंटिंग आती है ना उसका पूरा सिंबल है, जितना भी मतलब गांधी मतलब एक हुजूम, एक लोग जो भीड़ है जो जिन्होंने उनको सपोर्ट किया वो बना है, तो गांधी गुजरात ऐसे ही कुछ टॉपिक था, तो गुजरात का, चूंकि गुजरात के गांधी जी है, तो पीछे पूरा जो प्रिंट है वो जो पेंटिंग है वो गुजराती प्रिंट है, और उसके बाद गांधी पे जो पूरा एक ह्यूमन का जो टच है वो फ्लेवर है पूरा इसका गुदना का। नेक्स्ट जी, इसके बाद नेक्स्ट, हाँ अब ये दौर आया, ये तो एक साल पहले का काम है, ये दौर आया जब सिर्फ फेसेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा था, कि एक एक ह्यूमन को पहचानना, उनको पोर्ट्रेट करना, तो उस वक्त में और बहुत सारी घटनाएं चल रही थी, जैसे आंटी ने बताया कि समाज से सरोकार रखती हूं मैं, तो सामाजिक जितनी भी बातें होती है ना वो मेरे दिमाग में हमेशा छाई रहती है। आप नहीं, आप अगर आप नागरिक हैं, देश के जागरूक नागरिक हैं, तो आप बच नहीं सकते इन सारी खबरों से, और आजकल अगर आप पेपर अवॉइड भी करते हैं, अगर आप न्यूज अवॉइड भी करते हैं, तो आप मोबाइल खोलते हैं और गूगल पे वो खबरें आ जाती हैं, तो उन सारी खबरों से मैं बहुत परेशान थी उन दिनों, और तब मैंने ये सब काम किया था और ये सब बनाया था, तो उस वक्त जो फेसेस हैं वो थे, यही सारे फेसेस हैं कि हर आदमी में जो मानव है उसमें दानव आ गया है, तो उस तरीके का एक पोर्ट्रेट किया था मैंने कि मानव या दानव। नेक्स्ट, ये वही मेमोरीज की मैं बात कर रही थी ना, उसी तरीके का ये काम है कि बहुत सारी मेमोरीज है हमारे इसमें, तो उसमें आप देखेंगे एक काम है बहुड़िया, जो मैं कार की बात कर रही थी, वो भी बीच में पेंटिंग में है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब जल्दी कर ले कैलाश जी, हाँ इसके बाद नेक्स्ट दिखा दें, मुझे लगता है काफी लंबा हो गया पीपीटी। नहीं नहीं, आपने आप बोलते रहिए बोलते रहिए, दिस इज व्हाट वी वांटेड यू नो, सो लेट द पीपल नो अबाउट यू, अबाउट योर वर्क, प्लीज कीप एक्सप्लेनिंग।
ये हमारा काम जो है मीनाक्षी जी, आर्काइवल वर्क है, इट इज फॉर द स्टूडेंट्स, इट इज फॉर द स्कॉलर्स, सो इट इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय द पीपल एज रेफरेंसेस, सो इफ समबडी विल नो अबाउट यू, दे विल कम टू नो अबाउट यू थ्रू दिस ऑल्सो. और आप हमारे एक साथ यूट्यूब में भी है, आप फेसबुक में भी है और हमारे लिंक्डइन में भी है, तो the people are watching you and they will be used in the future also as resource or source material. So आप explain कीजिए. ठीक है, तो इसके पहले वाला एक बार दिखा दो. हाँ, एकदम एकदम एकदम. ये तिलक नाम का एक काम है, तो मेल पर तिलक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो तिलक नाम का ये काम है जिसमें की जो ग्रेसफुल चेहरा है और काफी जो तेज है चेहरे पे, उसी के साथ ये सारा जो आप देख रहे होंगे जो बाकी काम जो है वो एक्सप्रेशन है, वर्क का एक्सप्रेशन है, तिलक नाम है इस काम. इसके बाद जो है आप सेकंड करें, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट काम सिंदूर. ये सिंदूर है जब आप यहाँ से, नहीं उसके पहले वाला, इसके पहले वाला जी, ये सिंदूर है जब आप यहाँ पे टीका लगाते हैं, नाक पे टीका लगाते हैं और भर जाता है बिल्कुल सिंदूर आपके चेहरे पे, तो उस वक्त का ये काम है. बहुत छोटे छोटे मतलब सब्जेक्ट्स बहुत हार्ड नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत मतलब बात में भी लोकपन है और व्यक्तित्व में भी है, तो मेरे काम में भी शायद इसीलिए आता है. नेक्स्ट इसका वर्क दिखाया, जी अब जो रविंद्र जी जो बात कर रहे थे ना, आप देखेंगे इसके बैकग्राउंड में, या आंटी भी कह रही थी, उषा किरण खान भी कह रही थी कि जो काम जो बैकग्राउंड होता है ना उसके पीछे मेरा बहुत इंट्रिकेट काम होता है, जो जिसमें की फ्लेवर होता है मधुबनी, ये सारा आप फ्लेवर देख सकते हैं इसमें. ये बहुत बड़ा काम है, मतलब 6-7 फीट बड़ा और लंबा और चौड़ा काम, बड़ा काम है. इसके बाद वाला काम ये सारा एक कलेक्शन है, मतलब आप जब तिलक पे देख रहे थे उस समय से एक कलेक्शन में ये बनाया है. इसके बाद वाला और भी दिखा दो, जी ये पूरा इंडियन मैरिज के कलेक्शन का वर्क है. तो कुछ काम यहाँ पे आपको दिखेगा, कुछ काम नहीं है इसमें, वो एक करीब 20 पेंटिंग की, 18-19 पेंटिंग का एक पूरा कलेक्शन है, जब शादी की शुरुआत से लेकर जितने भी रिचुअल्स होते हैं उसको मैंने पोर्ट्रेट किया है. तो इसके कुछ काम तो डिस्प्ले हुए थे पिछले मेरे एग्जीबिशन में, जो नवंबर में मेरा एक सोल्यूशन था दिल्ली में, उसमें ये सारे काम डिस्प्ले थे. कुछ काम है जो अभी भी मैंने सोशल मीडिया पे नहीं डाला है, उसी कलेक्शन का ही काम है. नेक्स्ट दिखाएं, नेक्स्ट ये एसिड अटैक का ये काम है. जब एसिड अटैक इतना ज्यादा इस बीच में हो रहा था 1.5 साल पहले, तो बहुत तकलीफ हो रही थी, तो उस वक्त मैंने ये काम बनाया था. कि बहुत बच्चियां आजकल बहुत मेहनत कर रही हैं, मतलब जब मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं बच्चियों को लेकर बहुत सारा काम अपना सामाजिक हो पाता है, दायित्व मैं निभाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ बच्चियों को स्कूटी लेके फड़फड़ उड़ते हुए और काफी सपनों को संजोते हुए. तो बस मुझे तकलीफ होती है कि जब कोई भी घटना होती है तो कहते हैं ना कि पर में आग लगा देना, तो उसको पोर्ट्रेट किया था मैंने इस काम में. नेक्स्ट तो भी पसंद नहीं है मेरा काम, बहुत सारा काम मुझे अपना पसंद नहीं आता, ये काम मुझे पसंद. इसमें आप देखेंगे एक छोटी सी बच्ची को पोर्ट्रेट किया है इस साइड में, पेंटिंग का नाम है एक्सक्यूज मी, मतलब जो ये शेर है, शेर बहुत ज्यादा मेरे पेंटिंग्स में आता है क्योंकि शेर देवी का वाहन भी है और शेर को जंगल का राजा भी कहते हैं, तो कभी
डराने के लिए भी बच्चों को आप सामने लाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो पूरा काम है वो बहुत ट्रेडिशनल है, अंदर में उसका भी एक बेबी है लेकिन रहा है। तो वो बच्ची कह रही है एक्सक्यूज मी आप मुझे ना डरा। तो ये एक एक्सप्रेशन है और अभी एक एग्जीबिशन में बहुत अच्छे गैलरी के एग्जीबिशन में था, ये हैदराबाद के एक शो में था, इसका पार्ट था जी। नेक्स्ट ये भी एक कलेक्शन में है, एक मेरे क्लाइंट है, बहुत अच्छे क्लाइंट है, उनके कलेक्शन में है। द्रौपदी को मैंने यहाँ पे पोर्ट्रे किया था, द्रौपदी और जो त्रिपुरा वो है उनका पांडव है, और जो सांप है वो दुष्यंत, नहीं दुष्यंत नहीं कौन है जिन्होंने चीरहरण किया था, दुर्योधन है, तो उसको मैंने वो पोर्ट्रे किया है। नेक्स्ट ये दो छोटा काम है, बहुत प्रिय काम है मेरा ये, इसके बाद का भी काम। जी ये दो काम देवी मेरे कैरेक्टर का मेन, जो जैसा आंटी भी कह रही थी, उषा किरण खान कह रही थी कि मेरे कैरेक्टर्स में देवी बहुत ज्यादा आती है। देवी मतलब आप हिंदू रिचुअल के हिसाब, मतलब इसके धर्म के हिसाब से ना चले, जो पावर होता है ना, जो औरतों का पावर होता है वो उनके हाफ चेहरे से भी आता है। तो ये दो पेंटिंग मैंने वही सोच के बनाया था, और पिछले वाले पेंटिंग में आप देखेंगे कि एक, या इसमें भी है एक छोटा सा ऊपर से जो मानव है, आज का मानव है वो प्रणाम कर रहा है। तो आप कभी भी आप देखेंगे, कभी भी घटनाएं जब होती है तब ये बात जरूर आती है कि हम देवियों की पूजा भी करते हैं और उनके मान का हनन भी करते हैं। उसी पे ये दो काम था। नेक्स्ट जी ये एक बहुत अच्छे एग्जीबिशन का पार्ट था, बर्ड मैन नाम से ये कैरेक्टर है और अच्छे बहुत, पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है। नेक्स्ट दिखा दें आप, तीन कलेक्शन, इसके बाद आप दो और देखेंगे। कैलाश जी मैंने 2003 में जी बहुत सारा काम किया था, मैं उन लोगों के संवाद में रही लगातार, मुझे लगता है कि 6-7 महीने तक मैं लगातार उन लोगों से मिलती रही और उनके मन की भावनाओं को मैं देखती रही, पहचानती रही। और उसके बाद 2003-04 में मैंने बहुत सारा काम किया था उन लोगों के, वो बहुत अच्छे जगह पे कलेक्शन में भी है वो सारे काम, तो उस वक्त किया। और फिर इस बीच में मैंने ट्रांसजेंडर पे काम किया, तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है ट्रांसजेंडर का यहाँ पे पटना में, तो उनकी जो लीडर है त्रिपाठी, मैं भूल रही हूँ नाम, वही है, उसके बाद भी दो पेंटिंग में वही दिखेंगी जी। अच्छा मैं मीनाक्षी जी एक बात कहना चाहता हूँ, विभा रानी जी आई हुई है, वो कह रही है ग्रेट फाइनल मीनाक्षी जी इज हियर विथ अस, ग्रेट वेलकम। और वो एक प्रश्न पूछ रही है, आपके का प्रश्न ये है कि आपके काम में काम का जो संदर्भ है उसके बारे में भी बताइएगा, अगर बता चुकी है तो कोई बात नहीं, मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो इस क्वेश्चन को आपने दिमाग में रखिएगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो इसको आप प्रश्न को एड्रेस करें। वो कह रही है कि आपके काम में काम का जो संदर्भ है जी उसके बारे में भी बताइएगा, अगर बता चुके हैं तो कोई बात नहीं, मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो आपने बताया नहीं है। द रेफरेंस ऑफ वर्क ऑफ द वर्क ऑन योर वर्क, ठीक है कि नहीं, ये कहना चाह रही है, ठीक है ना, वो अभी जब बाद में हम बात करेंगे, अभी मैंने आपको आपके दिमाग में रख दिया, उस समय भी हम आपको जब आप
जब आप बोलने लगेंगे तो ये क्वेश्चन मैं रख दूंगा आपके पटल पे, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली शी हैज आस्क्ड यू एंड हाउ यू आर गोइंग टू आंसर, ठीक है ना जी। चलिए यही महामंडलेश्वर जी, ये तीन कार्य जी तीनों दिखा देता हूँ जी। तो ट्रांसजेंडर वाली बात है, फिर उन लोगों से भी मेरी इंटरेक्शन रही और फिर उनकी बातों को सुना कि किन भावनाओं से वो गुजरती हैं, किन तकलीफ से वो गुजरती हैं, समाज का क्या रहता है रिएक्शंस और वो लोग कैसे अपनाते हैं उनको। तो उन सारी चीजों को देखते हुए मैंने ये तीन काम, बहुत छोटा वर्क है ये, 6 इंच बाई 10 इंच का या 8 इंच का काम है, तो एक मतलब मिनिएचर पेंटिंग का एक एग्जीबिशन था, उसका पार्ट रहे रहा है तीन काम। नेक्स्ट दिखा दें, अच्छा अच्छा अब ये खत्म पे है जी। ये दिस ऑल अबाउट योर वर्क, अचीवमेंट होगा कुछ कुछ जो आपने कार पेंट किया था उसकी कहानी है इसमें। अब आप कुछ सवाल ले सकते हैं कैलाश जी। जी बस इसको पूरा कर लूं तो थोड़ा सा लोग तो हमने इनको पहचानती है आप एक बार बताएं, मतलब मेरी स्क्रीन पे बहुत छोटा दिख रहा है। कैसी आप? बिल्कुल ठीक, आपका बहुत अच्छा शो देख रही हूँ नहीं मुझे, और आपके साथ का इंटरेक्शन भी मुझे हमेशा ही याद रहता है, बहुत ज्यादा हम मिले नहीं है लेकिन क्योंकि ब्रेन लेवल पे एक है तो मुझे लगता है कि वो अंतरंगता बन गई है इतने कम मीटिंग में ही। सही, एकदम सही कहा आपने, आई सी यू मोर लाइक अ फ्रेंड। आपका जितना, इट वॉज वेरी नाइस टू सी यू एंड योर वर्क, और आपका जितना भी काम देखा बहुत ही अच्छा लगा मुझे, वैसे भी आपका काम बहुत अच्छा लगता है, एंड लाइक आई रियली लाइक योर ब्राइट कलर्स एंड फेमिनिस्टिक, आई गेस आई थिंक यू आर मोर अ फेमिनिस्ट आर्टिस्ट बिकॉज आई सी ऑल female figures like Usha ma'am said that it's more of female figures somehow they peep in everywhere, so that is always I can see it there in all your paintings, and the character also which you reflect which are women centric if I'm not mistaken, jo mujhe lagta hai, and abhi jo aapne bola bhi to usme bhi wo chalakta hai, so it's really nice and बस मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी बिकॉज मे बी यू नो बिकॉज यू सॉर्ट ऑफ कम फ्रॉम अ नॉट ट्रूली फोक बैकग्राउंड बट डेफिनेटली यू नो बिकॉज यू कम फ्रॉम अ रीजन विच इज इन्फ्लुएंस्ड विद मिथिला पेंटिंग, सो यू कम यू डेफिनेटली इट अफेक्ट्स यू, सो For the coming generation, because अभी की जितनी भी generation है, the new people, I keep hearing this word, you know, the contemporary folk art or contemporary, everybody wants to be very contemporary. So for them, like मैं और आप जानते हैं कि ये journey हम, I think I'm also like we are just going through a journey and a काफी difficult journey है. So what do you want to
tell the younger generation about your journey and where you are going, and where when these younger people are starting a journey? Like अभी जितने भी मिथिला पेंटिंग में नए जनरेशन के हैं तो वो अपने आप को ट्रेडिशनल आर्टिस्ट बोलना पसंद नहीं करते हैं. सो देयर इज अ वेरी नाइस वर्ड विच हैज कम इज कंटेम्पररी फोक आर्ट एंड यू नो एवरीबडी वांट्स टू यूज दैट. सो व्हाट डू यू वांट टू शेयर विद देम अबाउट दिस जर्नी, हाउ डिफिकल्ट और इजी दिस जर्नी इज अबाउट द आर्ट फॉर्म एंड हाउ टू कम इन द मार्केट एंड you know to make a space for yourself in jo ek itna bada busy traffic jam jaisa hai art mein usme apna ek pehchan banana kitna aasan ya kitna mushkil hai to aap jo nayi generation hai unko kya batana chahte hain iske bare mein. Bahut achhi baat kahi aapne. Mujhe lagta hai sabse pehli baat jo bahut importantly aapke baat mein aayi wo ye ki jo traditional artists hain वो भी अगर कहलाना पसंद नहीं करते हैं कि वो एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं तो ये दुख की बात है. क्योंकि मैंने पहले भी, अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो मैंने पहले भी कहा ये बात, रविंद्र दास जी से बात हो रही थी कि मेरा काम, मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ फोक आर्ट से. मैंने काम शुरू किया था फोक आर्ट से, लेकिन डिलीबरेटली आप कोई काम नहीं कर सकते. कुछ भी काम अगर आप कला के में, देखिए अगर कला की बात छोड़ दे, नॉर्मल किसी भी विधा में आप कर सकते हैं. अगर आपका वर्क है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आप कर सकते हैं कोई काम. लेकिन अगर आप एक कला को लेकर बढ़ रहे हैं तो आप डिलीबरेटली कुछ अपने आप से करवा नहीं सकते. क्योंकि मैं जैसे अगर अपने आप को, अगर मैं कहूँ कि मैं अभी परफॉर्मिंग आर्ट कुछ मैं करने लगूँ तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी. अगर मुझ में आएगा वो बात तो शायद आ जाए. तो मेरी जर्नी में ये बात रहा है कि बहुत स्लो पेस में ये कंटेम्प्रेरी चीजें आई हैं. और मुझे लगता है कि ये, मैंने पहले भी कहा कि आप जहां रहते हैं, जहां का आबोहवा है, उसका असर होता जरूर. तो ये चीज है कि अगर ट्रेडिशनली कोई काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर उन्हें इस बात का में झिझक है कि वो फोक आर्टिस्ट है तो उन्हें शायद देखना चाहिए कि हमारे पास 6 पद्मश्री हैं. ये बहुत बड़ी बात है. हमारे पास 6 एसेट्स हैं जो कि शायद मुझे लगता है कि किसी भी विधा में, किसी भी और जगह में, किसी भी एक आर्ट फॉर्म में शायद इतने पद्मश्री नहीं होंगे. तो आप समझ सकते हैं कि हमने उन्हें सर माथे पे रखा है और हम सब उनकी, मतलब भारत ही नहीं, इंटरनेशनली वो लोग इतने नोन है, फेमस है. मुझे नहीं, आप ठीक कह रहे हैं. तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं यही आपसे पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जर्नी कितनी आसान या कितनी मुश्किल है फॉर एनी आर्टिस्ट. जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ 6 पद्मश्री हैं बट उनका जर्नी 50 साल का है. सो यू नो, सो आई वॉन्ट टू नो, आई मीन आई वॉन्ट यू टू टेल अबाउट हाउ डिफिकल्ट और इजी दिस जर्नी इज एक्चुअली फॉर एन आर्टिस्ट to come and make a mark for themselves. It's a difficult journey, no doubt about it. क्योंकि जब भी कभी हम लोग बात करते हैं कि बहुत हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि मेरा अभी 22-25 साल हो गया और मुझे लगता है कि सचमुच अभी मेरा एंट्री हुआ है. तो अगर हम लोग याद करें, आप सहमति देंगी अपनी, अगर हम लोग याद करें कि हुसैन को कालेदारी में हम लोगों ने किसी ने नहीं देखा है. हम लोग जब कभी भी हुसैन को याद करते हैं तो हम वो पके हुए बड़े दाढ़ी में ही देखते हैं. तो अभी मुझे लगता है कि ये बात समझने की बात है कि वी ऑल आर स्टूडेंट्स. अभी हम लोग सब सीख रहे हैं. और ये अमूमन हर विधाओं में है. जो डांसर्स हैं, जो संगीतकार हैं, अचानक से कोई एक दिन में नहीं बड़ा बनता है. और वो अगर होता है वो मिरेकल है. वो शायद मतलब आप एग्जांपल के रूप में ही कह सकते हैं. सो हड़बड़ी नहीं है, हड़बड़ी कहाँ है. आराम से करो. आप 40-50 साल, जैसे आपने कहा पद्मश्री मिलने में 50 साल लग गए, 50 साल की जर्नी है. तो मुझे लगता है कि ऐसे ही समय देना होगा. बच्चे बहुत, जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत हड़बड़ी में रहते हैं.
यही आपसे मैं मतलब सुनना चाहती थी, बिकॉज दैट्स व्हाट, बिकॉज आजकल के जो नए जनरेशन है उनका जो एक हड़बड़ाहट है उसके उसके आप जैसे आप इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो टू नो दैट दैट दिस देयर इज अ जर्नी विच इज टू बी फॉलोड. एंड दूसरा एक मेरा प्रश्न है आपसे, इफ यू अलाउ मी, दैट यू नो आई सी अ कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ अप्रोच बिटवीन बिटवीन द आर्टिस्ट हु हैव अ फॉर्मल आर्ट एजुकेशन, सो एंड ऑल्सो जो अपने आप को फोक कहलाना भी चाहते हैं, नहीं भी कहलाना चाहते हैं. समटाइम्स आई हैव सीन दैट दीज आर्टिस्ट वांट टू हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. सो व्हाट 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 डू यू व्हाट व्हाट आपका इसमें क्या मतलब कहना होगा, कि ये मैंने काफी बार अभी महसूस किया है, तो आज मैंने बोल ही दिया है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो देर आर सो मेनी आर्टिस्ट हु आर कंफ्यूज, दे डोंट वॉन्ट टू बी they don't want to accept that you are you have a formal, so sometimes there is like a mixture ki hum jahan pe bhi easy ho you just come to that particular part and you just get away with it. तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में यही कहना है सबसे पहले कि मुझे वो दौर भी याद है कि जब हम लोग पुरानी किताबों की दुकान पे खड़े होते थे और मास्टर आर्टिस्ट के बुक्स देखते थे और खरीदने की औकात नहीं होती थी और देखते थे सोचते थे कितना अच्छा काम कर रहे हैं. अभी आसान ये हो गया है कि आप फटाफट गूगल खोलते हैं, आप आर्टिस्ट के काम को देखते हैं, आपने आपने वो यात्रा तय नहीं करनी, आपको वहां से कॉपी करना है, वहां से पेस्ट करना है, बहुत हड़बड़ी है. और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट परीक्षा भी मेरे कॉन्टेक्ट में भी हैं जिनको बहुत हड़बड़ी है और मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ होती है, चूंकि हमारा जो संस्कार है वो संस्कार ऐसा नहीं है कि हम वन टू वन बेसिस पे आप कुछ कह दें कि देखो तुम काम नहीं कर रहे हो, हड़बड़ा रहे हो, ऐसा नहीं बोल पाते. लेकिन आने की बात है, बहुत लोगों को ये भी कहा है कि आप बहुत नहीं हड़बड़ाए, आप समय दे. कहते हैं ना कि आप चाशनी बनेगा तब तो फिर कुछ काम बनेगा, आप नहीं बना सकते ना लड्डू जब तक चाशनी में वो चिटचिटापन नहीं आए. तो वही बात है कि मुझे अपने आप में, जैसे अभी आगे भी बात हो रही थी कि धीरे धीरे काम में परिपक्वता आता है, तो मुझे खुद ही अपने अपने जो भी अभी भी स्लाइड शो दिखाए उसमें बहुत सारा काम मुझे लगा था बिल्कुल हटा देना चाहिए. तो सबसे बड़े क्रिटिक आप कोई भी आर्टिस्ट खुद अपना. करेक्ट. तो मुझे यही लगता है कि अभी शोकेस करने से पहले बहुत हड़बड़ी में, आप देखिए ना इंस्टा का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, तो आदमी इसी हड़बड़ाहट में है कि बस आप कुछ भी आपने किया और आप शोकेस कर दें आप. तो इससे थोड़ा बचना होगा और थोड़ा समझना होगा कि प्रोफेशनलिज्म क्या है. प्रोफेशनल बनने के लिए कम से कम 10-15 साल 20 साल देना पड़ता है. और मेरे साथ ये है, जैसे आपने कहा ना कि विधिवत जो फॉर्मल एजुकेशन हो या ना हो, ये भी बात है मेरे साथ. जैसे मेरा तो फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ, लेकिन कहीं एक माइंडसेट रहा शायद, तो उसकी वजह से वो खोज पड़ताल, वो बातचीत, वो लोगों के संपर्क में रहना, और इस बात का अब तक दुख है, मुझे बहुत ज्यादा दुख है इस बात का कि बहुत सारे टेक्निक से मैं अवगत नहीं हूँ, या कोई एक खास गुरु नहीं मेरे रहे अनफॉर्चुनेटली, कि जिनके संपर्क में मैं रही और मैंने पूछा कि भाई अब मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं. लेकिन ठीक है, मशक्कत है. आपका आर्ट बहुत अच्छा है एंड आई विश यू ऑल द लक, बिकॉज यू आर अ वेरी नाइस एंड काफी अच्छी. थैंक यू सो मच, आप बोलना मायने रखता है, आप खुद बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, आपका बोलना मायने रखता है. थैंक यू. आई विश यू ऑल द लक. सो कैलाश जी आपने अब देख लियो. थैंक यू सो मच मीनाक्षी, एंड इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. बहुत अच्छा लगा और आपका आपका वक्ता भी बहुत मायने रखता है. थैंक यू सो मच जी. कैलाश जी अब बताएं, अब फिर हम आपके कटघरे में हैं. थैंक यू मनीषा जी फॉर कमिंग हियर.
थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट आल्सो. मुझे लगता है किसी के सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट आल्सो. तो हमें लगता है कि ये थॉट जो है अच्छा जा रहा है और हम लोग अच्छी बातें कर रहे हैं. और एक तो हमें लगता है कि ये थोड़े समय में अच्छा जा हमने थोड़े समय में एक व्यक्तित्व को समझने का यत्न किया है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. और थैंक यू मनीषा फॉर कमिंग हियर. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट. थैंक यू फॉर कन्वर्सिंग यू नो शेयरिंग द आइडियाज एंड गिविंग द इनपुट्स. तो अच्छा लगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो ये थी मनीषा जी. और मनीषा जी के सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्ट्रीम से बाहर चले जाए. मनीषा जी आप अपने को निकाल लीजिए, स्ट्रीम से बाहर निकाल लीजिए. यू गो बैक अदरवाइज यू नो देयर इज अ हमिंग फ्रॉम योर साइड. क्रिएट कर रहा है तो जी ये एक आपने लगभग बता दिया है, फिर भी एक जो टिप्पणी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. वो कह रही है कि आपके काम में कहीं ना कहीं जो बंगाल का जो काली घाट बंगाल की जो काली घाट पेंटिंग का स्टाइल है वो कहीं ना कहीं आपके काम में दिखता है. ये अनामिका है वो कह रही है मुझे लगता है आपकी पेंटिंग थोड़ी बहुत कोलकाता की काली घाट पेंटिंग से प्रभावित है. डू यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस? या आई वांट टू रिस्पॉन्ड प्लीज. तो मीनाक्षी झा बनर्जी हो गई है ना. हाँ तो ऐसा ही है. हाँ है ना. तो वो सही कॉलिंग है क्योंकि मैंने कहा कि कुछ भी बहुत डेलिबरेटली मैंने नहीं किया. तो ये छाप भी जो है वो वैसे ही आया है कि जब आप एक माहौल में रहते हैं, एक परिवेश में रहते हैं तो उसका असर होता है. तो बंगाल आर्ट का प्रभाव भी पड़ा. और कुछ लोग कहते हैं कि आईज या रंग जो है या देवी का जो रूप है उसमें एक फ्लेवर है बंगाल का. तो आई एक्सेप्ट इट. सही कहा नामिका ने जी. ये थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो हम आपको बीच में ऐसा कर रहे हैं. बात बाकी आपको बीच में अगर विभा जी का क्वेश्चन अगर आप आंसर करना चाहें तो आपके काम में काग क्या है? द क्रो इन योर वर्क और व्हाट डू यू काम में काम क्या कहना चाह रहे हैं? आपके काम में काग का जो संदर्भ है उसके बारे में बताइए. अगर बता चुके तो कोई बात नहीं. डू यू काग या काम में काम कहना चाह रही है? शी इज नॉट अराउंड अदरवाइज आई वुड हैव आस्क्ड हर टू रीफ्रेम हर क्वेश्चन. चलिए आप सोचिए. रानी झा कह रही है कि बेहद खूबसूरत चित्र श्रृंखला. अभिव्यक्ति भी चित्रात्मक. आपका रंग संयोजन मुझे बहुत प्रिय है. दिस इज द कमेंट वी हैव कम फ्रॉम रानी झा योर कंटेम्पररी आर्टिस्ट. रानी दीदी को प्रणाम. बहुत मेरे लिए वो और मेरे बचपन की मेमोरी में बहुत शार्प है उनका रोल. और धन्यवाद. उनका कहना मायने रखता है. बहुत अच्छी कलाकार है. और मेरे लिए ये उनका कमेंट ये कॉम्प्लीमेंट बहुत मायने रखता है. थैंक यू सो मच. आप लोग को पसंद है. आप लोग का आशीर्वाद है. अच्छी बात है. आशीर्वाद से ही लोग आगे बढ़ते हैं. बाकी तो मत है. एक है विश्वेश चौधरी. वो कहते हैं सुंदर कलात्मक कलाकृतियां चिंतनशील कला चित्ताकर्षक. दीज आर द
these are the beautiful words for you. एक कृति मिश्रा है आपका, मैं आप ही को कहता हूँ कि जवाब दीजिए, आर दे रिलेटेड टू मिथिला आर्ट, जो आप दिखा रहे थे तो उसी में दिए दिस क्वेश्चन, तो आप दे दीजिए, अच्छा रहेगा. They are flavor of mitla art. Actually, जो मतलब जो intricacies है ना वो उसमें आप मधुबनी का फ्लेवर देख सकते हैं या रंग संयोजन जो भी है. जो अपनी लोक कला है ना, लोक कला में जितने भी आप कलर्स देखेंगे ना वो बहुत प्राइमरी कलर्स देखते हैं हम लोग, क्योंकि जो उनकी विधायक थी जो जिस तरीके से वो रंग बनता था वो आपको पता है प्राइमरी रंग कैसे बनता था. तो मेरे काम में भी चूंकि वो फ्लेवर्स है वो मिथिला का है, तो रंग संयोजन भी आप देखेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि प्राइमरी कलर्स ज्यादा है, तो है वो मिथिला का है, मेरे व्यक्तित्व में ही है मिथिला का, तो रहेगा ही, तो फ्लेवर बिल्कुल है मिथिला का है. हमारे पास प्रभा है, अलका दास है, पम्मी झा है, दे ऑल प्रेज योर वर्क. पम्मी झा इज सेइंग अद्भुत कलाकृति, अलका दास कह रहे हैं द ग्रेट, विश्वास जी का मैंने आपको बता ही दिया, विवा रानी वाज वेरी इंप्रेस्ड विथ योर दिस थिंग, शिवाज टेलिंग की उस दिन आप नहीं पाई तो अंततः आज आ ही गई, राजवंत राज है वो कह रही है भाव संप्रेषण संयोजन का उत्कृष्ट उदाहरण सिस्टम है. ये इस तरह के आपके काम के ऊपर बहुत सारे लोगों का विचार है, और लोग ये भी करें कि आप अवार्ड वार्ड को छोड़ दीजिए, वो आते ही रहेंगे, आप अपना काम करते जाइए, दूसरे विधायक के जो लोग हैं. तो इस तरह से आपके बारे में जान के हमें बड़ी खुशी हुई, और हमारे माध्यम से आपको सारे लोग सुने और हमारा भी ज्ञान खुला आपको देख के, आपके कलाकृतियों को देख के. जो उषा जी आपको कह गई वो नहीं आ पाई, आई इन्वाइटेड गीता श्री जी ऑल्सो, बट वो वॉच तो कर रही थी बट शी हैज बीन ट्रेवलिंग टू द डेंस फॉरेस्ट एरिया, तो इसके चक्कर में वो आ नहीं पाई. तो हमें लगता है कि फिर कभी हम कोई गुफ्तगू कर लेंगे, बात कहीं करेंगे तो उसमें फिर आपको लाएंगे, और आप आई, हमें बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी कलाकृतियों से मिलके, आपके लोगों से मिलके, और आप लोगों की जो आपके बारे में भावनाएं हैं उनको सुन के लगता है कि आप सफलता को कैसे एंजॉय कर रही हैं और किस तरह से यू हैव बीन ग्रोइंग एवरी डे, दैट इज योर यूएसपी. तो अब आप कुछ बोलना चाहे तो बोलिए, अब मैं इस प्रोग्राम का को नहीं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बैठ सकती, कोई बात नहीं है. मुझे लगता है कि लोगों के सवाल का भी जवाब मिल गया होगा, और बहुत सारे सवाल आते रहेंगे, काम है, और मुझे अभी भी एहसास हो रहा है कि ऐसा नहीं है, अभी कोई मुकाम नहीं आया, बहुत सारा काम करना है. और अभी भी मैं कह रही हूँ कि कला क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बिल्कुल बिंदु मात्र हूँ, तो वो यात्रा है, बस करते रहना है काम, तो कोशिश रहेगी. और धन्यवाद आप सबका भी, जो लोग शो देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद, कैलाश जी को भी धन्यवाद, बढ़ते रहें आप, बतकही करते रहें, बहुत बहुत शुभकामना. वो कह रही है कि स्मार्ट ब्यूटीफुल क्रिएटिव आर्टिस्ट बौद्धी, बौद्धी इज फॉर माय नॉन बंगाली फ्रेंड अभी, एंड नूतन मित्रा कह रही है मुझे इनके चित्र बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं, रंग की चटकता, नयनों के भाव भंगिमा, चित्र की भव्यता बहुत दिव्य बनता है. दीज आर द कॉमेंट्स ऑफ द पीपल फॉर यू. प्रशांत झा है ये कह रहे हैं कि प्रणाम. तो इस तरह से राजवंत जी के स्टेटमेंट से मैं इस प्रोग्राम को आज के लिए कंक्लूड करना चाहता हूँ. कल हमारे पास एक अमेरिकन मूल की है जो इंडियन थॉट और सिस्टम्स में काम करती है, उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर पोला होरान, एंड पोला होरान विथ टू डॉक्टर्स वुड कम लाइव टू आवर चैनल,
and I would request you all to embrace the new things, the new knowledge, and about this pandemic that we all have been psychologically terrorized. उसके लिए उस पर वो बात करेंगे, तो हम आपको भी निमंत्रित करते हैं कि आप भी आइए, अच्छा लगेगा। और मैं जैसा आपको कहा कि रजवंत राज जी की इस बात से कि सच मेरा भी करना है कि किसी कला विद्यालय में दाखिला मिल जाए, लेकिन गुरु जो होता है मन का होता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर कभी किसी विद्यालय में नहीं गए, आपको मालूम है, और भारत का पहला नोबेल प्राइज उन्हीं को मिला, और लोग आज भी अचंभित होते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर से पहले लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि कालिदास एक ही रहे होंगे, विद्यापति एक ही रहे होंगे, लेकिन रविन्द्रनाथ को देखने के बाद उनकी रचनाओं की जो भव्यता और उसका जो थिकनेस है, उसको देख के लोगों को लगा कि नहीं, एक व्यक्ति भी इतनी सारी रचनाओं का निर्माण कर सकता है, अनेक विधाओं में जी सकता है। तो आप आगे बढ़े, आप आइए, हमें बहुत अच्छा, दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लगे रहे, और थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सब्बा खैर, गुड नाइट।